चलो बेटा स्टार्ट करें बेटा, सेकेंड ईयर बीकॉम चल रहा है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 2। चलो स्टार्ट कर बेटा अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट। आज के डेट में एक चीज़ मैं बता दूँ, इस स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बट हम लोगों को वही पढ़ना है जो पहले था। यस सर, मैं पढ़ाऊँ सर अभी? सर पढ़ाते हो सर? बस बस सर। नहीं नहीं बंद करके मत जाओ। यस बेटा, कुछ लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी आपने आपकी राह से भटकना नहीं है। चलो स्टार्ट करते बच्चों। चलो बेटा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स असेट। सबसे पहले फिक्स असेट का मीनिंग देखते बेटा। फिक्स असेट मतलब वो असेट जो हमने बिजनेस में हेल्ड किया है फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और सेल, या फिर हम लोग उसे कैश में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। सर मैं प्लीज पढ़ाऊँ सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं ये वीडियो एज इट इज डालने वाला हूँ। हाँ बेटा, ये हमारे चिराग सर है, प्लीज देखो और सिर्फ देखो। नहीं नहीं सर, नहीं सर, सर बस सर। भाई लेक्चर लेने दे, छेड़ रहा है जाते हुए इंसान को। मजे लिए सर उसने आपके? नहीं नहीं, हाँ बेटा फिक्स असेट का मतलब बेटा आपके पास में नोट्स होगा, नोट्स में देखो बेटा। इसमें फिक्स असेट में देखो, इसमें एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। सबसे पहले तो बेटा नोट्स पेज नंबर दिख रहा है, अगर आपके पास निराली पब्लिकेशन का बुक है तो उसमें पेज नंबर 1.26 मीनिंग ऑफ फिक्स असेट फटाफट से ध्यान दो। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, सब लोग साथ में क्या बेटा। उसमें फिक्स असेट विच इज हेल्ड फॉर इंटेंशन ऑफ बींग यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। हम लोग किस पर्पज के लिए रख रहे हैं उसको? बिजनेस पर्पज के लिए। दूसरा नॉट फॉर सेल, एंड तीसरा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग उसे यूज करने वाले। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही तो हम लोग बोलेंगे यस वो फिक्स असेट है। सर फिक्स असेट का अकाउंटिंग कैसे करते हैं? बेटा जब भी हम लोग फिक्स असेट बाय करेंगे तो बाय करते समय जितनी कॉस्ट मैंने इनकर किया उस फिक्स असेट के लिए, परचेस करने के लिए, उतने कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है। आसान भाषा में कॉस्ट बेसिस पे। पहले तो तीनों कंडीशन समझ में आ गया बेटा, बिजनेस पर्पज के लिए, नॉट फॉर सेल, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग उसे यूज करने वाले, मतलब नियर फ्यूचर में हम लोग उसे सेल नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वो असेट मेरे लिए फिक्स असेट है। फिक्स असेट का अकाउंटिंग, जब भी मैं कोई फिक्स असेट बाय करूंगा तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक और टू क्रेडिटर, जिससे भी लिया, उधारी में लिया होगा तो क्रेडिटर, इस हिसाब से उसका अकाउंटिंग होने वाला है। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या रहेगी? आपकी कॉस्ट। अब सवाल ये उठता है कि फिक्स असेट की कॉस्ट में क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो फिक्स असेट की कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? उसकी परचेस प्राइस माइनस डिस्काउंट, अगर कुछ मिला होगा तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, प्लस ड्यूटीज और टैक्सेस, अगर नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस हो गए तो। कुछ बात समझ में आ रही बेटा? तो ये सारी चीजें, और वो असेट को इंस्टॉलेशन के लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस लगा होगा तो वो, प्लस वो असेट को बिजनेस प्रीमाइसेस में लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा होगा तो वो, ऐसे सारे खर्चे असेट को खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे स्पेशली असेट के लिए इनकर किए वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड करो। बरोबर है? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टिल द डेट असेट गेट रेडी फॉर यूज, नॉट एक्चुअल यूज, रेडी फॉर यूज तक के सारे खर्चे तो हम लोग असेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और वो जो भी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट पे हम लोग उसका अकाउंटिंग करेंगे। बरोबर है? उसके बाद आगे और चलते बेटा, देखो आपको ये मीनिंग हमने देख लिया, मीनिंग के बाद देखो इस पे नोट्स दिखा रहो, स्क्रीन पे दिखा रहो।
मीनिंग हमने देखा बेटा असेट का असेट हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस फॉर मे बी फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज नॉट फॉर सेल एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, उसकी परचेस प्राइस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर नॉन रिफंडेबल है तो, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अट्रिब्यूटेबल टू द असेट, असेट को रेडी फॉर यूज करने तक अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है तो वो भी असेट के कॉस्ट में आ जाएगा. उसके बाद आगे और चलो बेटा, जैसे साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस, जैसे इंजीनियर आया था इंस्टॉल करने के लिए तो वो भी असेट के कॉस्ट में ऐड कर देना, उसकी जो फीस रहेगी वो. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टार्टअप एंड कमीशन एंड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर ऑन टेस्ट रन, यस टेस्ट रन एक्सपेंसेस भी हम लोग असेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे. अब असेट रेडी फॉर यूज अभी तक हुआ नहीं है, कब तक, जब तक टेस्ट रन नहीं हो जाता. मतलब टेस्ट रन ये असेट रेडी फॉर यूज के पहले का रहेगा या बाद का, रेडी फॉर यूज के पहले रहेगा ना, कि रेडी फॉर यूज के बाद टेस्ट रन करते हो, नो टेस्ट रन पहले का है तो टेस्ट रन की जो कॉस्ट है वो भी असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना. तो वही सारी कॉस्ट इन्होंने दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड्स आर स्पेसिफिकली अगर अट्रिब्यूटेबल टू दैट इंस्टॉलेशन है तो. तो बच्चे सोचेंगे सर जनरल चार्जेस असेट की कॉस्ट में कैसे ऐड कर रहे हैं, असेट को रेडी फॉर यूज करने तब जो जो खर्चे लगे, फिर वो जनरल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वेजेस हो, टेस्ट रन हो, ड्यूटीज हो, टैक्सेस हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, सारे कॉस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना और वो टोटल कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है. एग्जाम इसके ऊपर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. डन. आगे, अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द फिक्स असेट शुड बी डिडक्टेड. अब गवर्नमेंट से ग्रांट मिला मतलब वो असेट की वैल्यू से कम कर दो. गवर्नमेंट से ग्रांट मिला मतलब मान लो 100 रुपीज की असेट के लिए 20 रुपए का गवर्नमेंट सब्सिडी या ग्रांट मिला तो बोलो आपकी कॉस्ट कितनी हुई, 80. तो गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है फुकट में तो असेट की कॉस्ट से कम कर देना है. इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा बेटा, डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट. देन लॉस और गेन ऑन डिफर्ड पेमेंट ऑन फॉरेन करेंसी लायबिलिटी. मतलब क्या, देखो ध्यान देना, वो असेट को खरीदने के लिए मैंने अगर फॉरेन से लोन लिया होगा और वो लोन का मुझे रिपेमेंट करना है, समझ में आ रहा है, या फिर वो असेट मैंने फॉरेन से खरीदी होगी और वो फॉरेन कर्ज जो सप्लायर है उसे मुझे डॉलर देना है. मान लो मैंने यूएस से असेट परचेस किया, ये मैं इंडिया में हूँ और यूएस से मैंने असेट बाय किया, ये असेट आ गई, अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ. असेट थी $10,000 की. अब वो $10,000 जिस दिन मैंने असेट बाय किया उस दिन $1 था 70 रुपीज़ का, और जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस दिन $1 है 72 रुपीज़ का. असेट बाय किया तब $1 कितने का था, 70 का. बोलो बेटा मैंने एंट्री कितने में किया होगा, $10,000 इंटू 70 यानी असेट का मैंने अकाउंटिंग कर दिया होगा 7 लाख रुपीज पे. लेकिन जब मैं एक्चुअल पेमेंट कर रहा हूँ तब $1 हो गया 72 का. बोलो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना लग रहा है, कितना लॉस या एक्सपेंस हो गया बताओ तो, ₹2 per dollar. तो $10,000 के लिए कितना हो गया, ₹20,000 लॉस हो गया. इसको भी असेट के कॉस्ट में ऐड कर दो, और सर गेन हुआ रहेगा तो असेट के कॉस्ट से लेस कर दो. समझा क्या ये लॉस और गेन वाला पॉइंट क्या है, तो अभी समझ में आए फॉरेन करेंसी लायबिलिटी. देन प्राइस एडजस्टमेंट और चेंजेस इन ड्यूटीज ऑफ द सिमिलर फैक्टर. असेट परचेस किया तब ड्यूटीज थी 10,000, बाद में पता चला 8,000 ही ड्यूटी पे करना है तो 2,000 लेस कर दो अगर असेट की कॉस्ट में ऐड किया होगा तो, या ड्यूटी बढ़ गई होगी तो बढ़ा दो. सो आसान भाषा में असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक जो जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली हम लोग असेट के लिए इनकर कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंस असेट के कॉस्ट में ऐड करना है. कुछ ड्यूटीज टैक्सेस वापस मिल रहे हैं और अगर वो कॉस्ट में एडेड है तो लेस कर देना है. कॉस्ट में ऐड ही नहीं किया है तो लेस भी करने का काम नहीं, बरोबर है. ये कॉस्ट के ऊपर का डिस्कशन समझ में आया. इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे छोटे एमसीक्यू भी आ सकते हैं, कॉस्ट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है. आसान भाषा में असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए आपके जेब से नेट पैसा कितना लग रहा है उस कॉस्ट पे अकाउंटिंग करो. नेक्स्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स असेट. हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स असेट मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि हर बार असेट खरीदेंगे, कभी कभी असेट बना भी लेते हैं. या तो असेट खरीद लो या तो असेट को कंस्ट्रक्ट करो अपने ही फैक्ट्री प्रीमाइसिस में. तो असेट रेडी फॉर यूज होने तक जो जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस लगा वो असेट के कॉस्ट में ऐड कर देना, बस वही बात यहाँ पे चल रही है. ऑल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक असेट, ऑल कॉस्ट दैट आर अट्रिब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ दैट असेट. ऐसी कॉस्ट जो उस असेट को कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए हम लोग अलोकेट कर सकते हैं वो भी कॉस्ट अलोकेट कर दो. सर एग्जाम्पल इसका, असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल लगा 10 लाख रुपीज का,
असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सुपरवाइजर ने 4 महीना उसके ऊपर टाइम दिया, सुपरवाइजर को 10,000 पर मंथ का सैलरी है, तो 40,000 भी इसमें ऐड कर दो। असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमें पता चल गई है कितने की लगी, 10,000 की, वो भी ऐड कर दो। यानी असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी है, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे पता चलेगा, अलोकेशन के जरिए, कैसे, ऑन सम रीजनेबल बेसिस। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी उस असेट के लिए लगा है रेडी फॉर यूज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन अगर होगा असेट का तो हम लोग जो भी खर्चे लगे, मे भी डायरेक्ट मे भी इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी तो लगने वाले हैं ना। असेट को कंस्ट्रक्ट होने के लिए 4 मंथ्स लगा, तो 4 मंथ्स तक फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी तो उस असेट के ऊपर हम लोग अलोकेट करेंगे। 4 महीने तक उस असेट के पीछे जो एम्प्लॉय लगे उनकी सैलरी भी असेट के कॉस्ट में ऐड करो। 4 महीने तक असेट कंस्ट्रक्ट होने तक सुपरवाइजर की सैलरी भी वहां पे असेट के कॉस्ट में ऐड करो। यानी जो जो खर्चा उस असेट के लिए हमने लगाया है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारे खर्चे असेट के कॉस्ट में ऐड करो। सो अगर असेट परचेस किया तो क्या एडलेस करना देख लिया, और असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट है तो क्या एडलेस करना है वो भी हमने देख लिया। आगे कॉस्ट ऑफ असेट अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग असेट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारे थेरी क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, बोलो बेटा। इन कंसिडरेशन इज नॉन मॉनिटरी, देखो बेटा अच्छे से ध्यान देना। अब असेट मैंने अक्वायर किया है ना, दूसरी कोई असेट देके, तो यहां पे कैसे अकाउंटिंग करोगे? कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना पैसा लगा पता चल गया, 15 लाख, तो अकाउंटिंग कर लूंगा असेट अकाउंट डेबिट 15 लाख, असेट अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपीज टू जो भी खर्चे लगे वो सारे खर्चे, समझ में आ रहे। परचेस किया पैसा लग गया 10 लाख, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जो भी है 10 लाख, उधारी में लिया होगा तो टू क्रेडिटर्स। लेकिन असेट एक्सचेंज किया, अब यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तीन किस्से है, असेट खरीदा तो क्या, कंस्ट्रक्ट किया तो क्या, और इन एक्सचेंज हमने असेट लिया। तो मान लो ये असेट मैंने दे करके ये असेट ले लिया, बरोबर है। अब दोनों भी असेट है, अब यहाँ पे अमाउंट कैसे पता चलेगा? तो दोनों में से जो असेट का अमाउंट मोर क्लियरली एविडेंट है हम लोग उसे कंसिडर करेंगे इस ट्रांजेक्शन का एंट्री पास करने के लिए। ये एक असेट दिया और बदले में दूसरी असेट लिया, बोलो। तो दोनों में से जिसका अमाउंट ज्यादा क्लियरली अच्छे से समझ में आ रहा है उस अमाउंट पे हम लोग एंट्री करेंगे। असेट वन दे दिया, असेट टू आ गई, सो असेट टू आ गई तो असेट टू अकाउंट डेबिट टू असेट वन। अब दोनों का अलग अलग अमाउंट हो सकता है, 10 रुपए 12 रुपए। दोनों में से जिसका अमाउंट ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा है, जिसके लिए मार्केट है। सर मान लो ये दोनों असेट में एक असेट का नाम शेयर है, और उस शेयर के लिए अगर रेगुलर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उस शेयर का ट्रेड हो रहा है, तो हम लोग वो शेयर का प्राइस ले लेंगे, फिर 12 12, फिर 10 नहीं लेंगे सर। फिर यहाँ तो नुकसान भी हो गया, असेट वन आपकी 10 की गई, फायदा हो गया सॉरी, तो लिख देंगे टू PNL अकाउंट और प्रॉफिट इन एक्सचेंज 2 रुपीज। जिसका अमाउंट ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है उस अमाउंट के ऊपर हमें एंट्री पास करना है। कौन से केस में? इन द केस ऑफ एक्सचेंज। देखो पढ़ के देखो, देखो बेटा, फिक्स असेट एक्सचेंज नॉट सिमिलर, असेट वन असेट टू एक का अमाउंट 10 है, एक का अमाउंट 12 है, दोनों सिमिलर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? असेट अक्वायर्ड शुड बी रिकॉर्डेड इधर एट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट अक्वायर्ड इफ दिस इज मोर क्लियरली एविडेंट। असेट दिया, असेट लिया, दिया लिया में जिसका वैल्यू ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है उस वैल्यू पे अकाउंटिंग करो। उसके बाद फिक्स असेट एक्सचेंज आर सिमिलर, तो उस केस में क्या करेंगे? फिक्स असेट अक्वायर्ड इज रिकॉर्डेड एट अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट अक्वायर्ड इफ दिस इज मोर क्लियरली एविडेंट और नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप। सर मतलब क्या हुआ? अगेन सेम ऊपर वाली केस है, या फिर आसान भाषा में असेट दिया, दोनों सिमिलर असेट है, एक असेट 10 की है लेकिन एक असेट 12 की है, नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। कैसे? जैसे हमने अभी एंट्री यहां पे लिखा है। दोनों केस में कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक सार है, एक सेंटेंस में बोल सकता हूं। असेट जब मैं एक्सचेंज कर रहा हूं तो जिसका वैल्यू ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। सर ये सेंटेंस नहीं समझ में आया, ज्यादा अच्छे से समझ में आया, जिसके लिए एक्टिव मार्केट है, ट्रेड हो रहा है, वो असेट की वैल्यू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कोई तो एक पुरानी असेट है जो जल्द हम चलना बंद हो गई, मार्केट में वैसी असेट मिलती नहीं है, और एक ऐसी असेट है जो आप दे रहे हो जो मार्केट में आज भी चल रही है। ये असेट लिया, ये असेट दिया, दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है? ये वाली असेट का, इसके लिए एक्टिव मार्केट है, सो द वैल्यू ऑफ दिस असेट इज मोर क्लियरली एविडेंट, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस वैल्यू पे अकाउंटिंग कर लेंगे। और देखो आखिरी में कर दिया है, फिक्स असेट अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी, तो ये शेयर्स और सिक्योरिटी का अगर एक्टिव मार्केट है तो हम लोग ये शेयर के प्राइस पे ही अकाउंटिंग करेंगे।
क्योंकि शेयर्स का वैल्यू जनरली हम लोग ज़्यादा अच्छे से मोर क्लियरली एविडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्टिव मार्केट होगा तो वो वैल्यू, या फिर कैलकुलेट कर लो. कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, असेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर ऑफ दैट कंपनी. तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा मोर क्लियरली अवेलेबल, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज. देन रीवैल्यूड प्राइस. बच्चों अब अच्छे से ध्यान देना, ये रीवैल्यूएशन के ऊपर, ये भी रीवैल्यूड है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन. इसमें फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ तो क्या, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुआ तो क्या, अपवर्ड हुआ तो क्या, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड एंड सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन अपवर्ड, फर्स्ट टाइम अपवर्ड सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड, ये सारी चीज़ें और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये पूरा इतना यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, रिवैल्यूड प्राइस से लेके तो रिवैल्यूएशन रिजर्व तक, ये पूरा एक चार्ट में समझा रहा हूँ. वो चार्ट अच्छे से लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. डन. लिखो बेटा. सबसे पहले तो सर रिवैल्यूएशन करना जरूरी है क्या? बेटा असेट का मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अगर डिफर कर रहा है तो उस केस में हम लोग जनरली असेट को रिवैल्यू कर लेते हैं, और रिवैल्यू करने के बाद या तो फायदा होता है या तो नुकसान होता है. नुकसान हुआ तो हम लोग पीएनएल में दिखा देंगे, फायदा हुआ तो हम लोग पीएनएल में क्रेडिट नहीं करते, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते. और सर रिवैल्यूएशन के बाद असेट कौन से प्राइस पे दिखाएंगे? रिवैल्यूड प्राइस पे. कौन से प्राइस पे? रिवैल्यूड प्राइस पे. सो अच्छे से ध्यान देना, मान लो ये रिवैल्यूएशन चल रहा है, रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम हुआ तो क्या, अच्छे से ध्यान देना, या रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम नहीं है मतलब कैसा है, सब्सिक्वेंट टाइम है. सर कौन सी बार हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? सेकेंड टाइम हो सकता है, थर्ड टाइम, 50th टाइम, 100th टाइम, 1000 बार हो गया रहेगा. बट फर्स्ट टाइम हुआ है तो दो बातें हो सकती, या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन. सब्सिक्वेंट टाइम में देखेंगे क्या क्या करना. पहले फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ. फिक्स असेट को हमने रिवैल्यू किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 का कहना है अगर आप फिक्स असेट को रिवैल्यू कर रहे हो और रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम हो रहा है और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है. सर मतलब 100 रुपीज़ की असेट थी, उसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना हुआ? 90. तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी बेटा? असेट का वैल्यू कम हुआ, नुकसान हो गया, पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड 10 टू फिक्स असेट 10. बरोबर. फ्यूचर में अगर वो असेट बेचेंगे तो कितना आएगा? 90. फ्यूचर में लॉस हो रहा है, कंजर्वेटिज्म के चलते वो लॉस आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म. अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, 100 की असेट थी, कितना हो गया? 105. फायदा हुआ तो पीएनएल को क्रेडिट नहीं करेंगे, असेट बढ़ गई, असेट बढ़ी तो असेट को डेबिट करो, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 5 रुपीज से असेट बढ़ा. फायदा हुआ तो पीएनएल में नहीं जाएगा, ये जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में. क्यों? क्योंकि ये फायदा अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, रियलाइज हो जाता तो ये पीएनएल में जाता, लेकिन ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ. ये सपना है, ये एक असेट है 100 रुपए की, आपने रिवैल्यू किया 105 हो गए, किधर है 5 रुपए ऊपर के मिले अभी तक, असेट में अटके पड़े, तो ये अनरियलाइज गेन है. हम लोग एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लेते. सो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व. मान लो अब ये फिक्स असेट का रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इसके पहले ऑलरेडी हो गया है. देखो बेटा ध्यान देना, अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, बच्चों ध्यान देना बेटा, सब्सिक्वेंट टाइम हो रहा है और इस बार हुआ है डाउनवर्ड. लास्ट टाइम भी क्या हुआ था? डाउनवर्ड. ऐसा लिखूं क्या मैं? एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा चार्ट में चेंज कर रहा हूं. इज लास्ट टाइम हुआ था डाउनवर्ड, दिस टाइम ऑल्सो डाउनवर्ड. फटाफट से लिख लो, लास्ट टाइम कितना हुआ था? 100 से हुआ था 90, इस बार कितना हुआ? 90 से 85. या ऐसा भी हो सकता है, लास्ट टाइम हुआ डाउनवर्ड, दिस टाइम अपवर्ड. लिखो जल्दी जल्दी, लास्ट टाइम हुआ था 100 से 90,
और इस बार कितना हुआ बेटा? 90 से 93, या ऐसा भी हो सकता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, अपवर्ड, दिस टाइम ऑल्सो अपवर्ड, या ऐसा भी हो सकता है लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ था, दिस टाइम डाउनवर्ड। लास्ट टाइम कितना हुआ था? 100 से 108। इस बार कितना हुआ? 108 से 110, या फिर ऐसा भी हो सकता है 108 से 105। बरोबर। उसके बाद हाँ, उसके बाद बेटा चलो, ये सारी केसेस है, ये ही सारी केसेस वो दोनों पैराग्राफ में दी हुई है बेटा। डन। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन। फर्स्ट टाइम, सबसिक्वेंट टाइम। फर्स्ट टाइम हो रहा है, डाउनवर्ड हुआ, नुकसान हो गया, 100 से 90 हुआ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। सर फायदा हुआ तो पीएनएल में नहीं लिया, लेकिन नुकसान हुआ तो क्यों लिया? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो अभी से पीएनएल में दिखा दो। अपवर्ड हुआ, रिवैल्यूशन रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब बच्चों बच्चों यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, लास्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ था, इस बार भी डाउनवर्ड हुआ। लास्ट टाइम 100 से 90 तक पहुंच गए थे, इस बार 90 से कहाँ पे पहुंचे? 85 पे। असेट कम हो गया, लिख दो टू फिक्स असेट 5। नुकसान हो गया, पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड 5। बरोबर। कॉस्ट के नीचे जो कुछ फायदा नुकसान है वो सब पीएनएल से रूट करना, कॉस्ट के ऊपर का फायदा नुकसान सब कुछ रूट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से। सर लास्ट टाइम ऐसा भी तो हो सकता है ना, लास्ट टाइम सर 105 से 103 हुआ रहेगा, तो इस बार सर 103 से 101 हुआ रहेगा, तो लास्ट टाइम भी डाउनवर्ड और दिस टाइम ये था लास्ट टाइम। हाँ ऐसा भी हो सकता है लास्ट टाइम। और असेट का कितना था बेटा वैल्यू? कॉस्ट कितना था? 100। 100 से कितना हुआ रहेगा? 105। 105 से कितना हुआ? 103। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ? डाउनवर्ड, दिस टाइम ऑल्सो डाउनवर्ड। अब देखो इसकी एंट्री कैसे रहेगी, लास्ट टाइम की एंट्री तो लास्ट टाइम होगी रहेगी, तो इस बार 105 से 101 हुआ, तो फिक्स असेट कम हो गया 4 से। अब यहाँ पे डेबिट हम लोग पीएनएल नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व 4, क्योंकि 100 की असेट 105 फायदा हो गया। अब 105 की असेट आ गई 101 पे, तो ये जो है ना ये नुकसान नहीं है, पिछले वाले फायदे का नुकसान है। नुकसान कब रहेगा? जब वो असेट 100 के नीचे जाएगी। समझ में आया क्या? देखो बेटा प्लीज बोर्ड पे सामने ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये कॉस्ट है 100, या फिर हमारी बुक वैल्यू है 100। समझ में आया सभी को? अब असेट 100 से ऊपर गई, 100 से ऊपर हो गई, 101 हो गई, बोलो क्या एंट्री रहेगी? असेट बढ़ गई, तो असेट अकाउंट डेबिट, कॉस्ट के ऊपर गया, फायदा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये फायदा है ना ऊपर का पूरा। अब ये थोड़ा कम हो गया तो नुकसान नहीं हुआ, फायदा कम हुआ। फायदा होता है तो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू वैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कम हुआ बाय रिवैल्यूएशन रिजर्व टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू असेट। अब कॉस्ट के नीचे गया, अब पीएनएल को डेबिट करो, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, पीएनएल डेबिट टू असेट, थोड़ा सा ऊपर आया तो ये फायदा नहीं है, पुराना वाला लॉस रिकवर हुआ। असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, कॉस्ट के ऊपर गया, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आ रहा है? सो बुक वैल्यू और कॉस्ट के ऊपर सब रिवैल्यूएशन रिजर्व से रूट होगा, और बुक वैल्यू और कॉस्ट के नीचे सब पीएनएल से रूट होगा। क्लियर है? उसके बाद दिस टाइम अपवर्ड हुआ है, देखो बेटा ध्यान देना, लास्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ था 90 पे, इस बार 90 से कहाँ गया? 93। बोलो बेटा फिक्स असेट बढ़ गई क्या? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 3 से बढ़ी ना,
और ये जो है 90 से 93 हुआ, असेट का कॉस्ट कितना था 100, प्लीज ध्यान देना, 100 से कहाँ हो गई थी 90, अब इस बार 90 से कितना हुआ 93, लॉस रिकवर किया लास्ट टाइम का। लॉस होता है तो हम लोग पीएनएल को डेबिट करते हैं, लॉस रिकवर हो गया तो पीएनएल को क्रेडिट कर दो। ये देखो मैंने पीएनएल को क्रेडिट किया, टू पीएनएल अकाउंट कितना 3, बुक वैल्यू और कॉस्ट के नीचे सब कुछ पीएनएल से रूट करो, बुक वैल्यू है कॉस्ट के ऊपर सब कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व से रूट करना है। लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ था 100 से 108, इस बार 108 से 110। बोलो ये कॉस्ट के बुक वैल्यू के ऊपर है क्या, 108 से 110, ऊपर का सब कुछ कहां से रूट होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से। सो फिक्स असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 2 से बढ़ गया। लास्ट टाइम क्या हुआ था अपवर्ड, इस बार क्या हुआ डाउनवर्ड। असेट कम हो गए तो सबसे पहले लिख दो टू फिक्स असेट, 108 से 105 3, और ये कॉस्ट के ऊपर का किस्सा है पूरा, सो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड 3। क्लियर है, एक बार वापस देखना बेटा, एक सेंटेंस में पूरा चार्ट वापस एक बार ध्यान देना। कॉस्ट के ऊपर ये कॉस्ट है या बुक वैल्यू है 100, एक बार सामने ध्यान दो बेटा, 100 से 101 हुआ, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू असेट, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू असेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू असेट। अब नीचे गया पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, कॉस्ट से ऊपर असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया। ये पूरे चार्ट का समरी था जो मैंने अभी ऐसे ऐसे किया, और कुछ नहीं, सिंपल है। उसके बाद आ गया जो बेटा और इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर ऑफ द असेट, दिख रहा है बेटा सभी को, ये हमने देखा रिवॉल्यूशन रिजर्व, फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड, फर्स्ट टाइम अपवर्ड, ये पूरा चार्ट में देखा बेटा, ये जो समरी लिखी है ये ही पूरा चार्ट है और कुछ भी नहीं है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद देखो इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर, अच्छे से ध्यान देना। अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, रीड करने की जरूरत नहीं, अच्छे से सुनना बेटा। इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर की बात चल रही है, यहां पे दो बातें हो सकती है, प्लीज ध्यान दो बेटा, आप भी साथों साथ चार्ट बना लिया करो। इंप्रूवमेंट रिपेयर में दो बातें हो सकती है, इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर की वजह से एफईबी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर बढ़ रहा है तो उस इम्प्रूवमेंट एंड रिपेयर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, बरोबर है क्या? जब भी मैं कोई असेट को रिपेयर करता हूँ तो वो असेट की अगर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस अगर बढ़ता है तो उस असेट में वो खर्चा ऐड कर दो, बरोबर है? और अगर एफईबी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट एंड रिपेयर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर दो और उसे पीएनएल के डेबिट में लिख दो। और सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया तो बैलेंस शीट के असेट साइड में उस असेट में इस खर्चे को ऐड कर दो, बरोबर है? हो गया इम्प्रूवमेंट एंड रिपेयर ओवर, कुछ था इसमें? बरोबर, चलो आगे। इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर के बाद है एडिशन, देखो एडिशन और एक्सटेंशन ऑफ द कैपिटल नेचर टू एन एग्जिस्टिंग असेट। तो यहां पे दो बातें हो सकती है, नया जो एडिशन है वो इंटीग्रल पार्ट है एग्जिस्टिंग असेट का, तो उस नए असेट को एग्जिस्टिंग असेट के अंदर ही ऐड करके एग्जिस्टिंग असेट के जैसे ट्रीटमेंट हो, डिप्रिसिएशन का रेट भी एग्जिस्टिंग असेट का रहेगा, लास्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा लाइफ भी एग्जिस्टिंग असेट के वैसी रहेगी, सब कुछ एग्जिस्टिंग असेट के जैसी रहेगा, बस वैल्यू ऐड हो जाएगी, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर वो नई असेट एडिशन जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी अगर उसकी है तो वो नई असेट को सेपरेट ट्रीट करो सारी चीजें, एंड कैपेबल ऑफ बींग यूज आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। मतलब आपने जो नया असेट ऐड किया ना
वो नए एसेट का सेपरेट आइडेंटिटी है, मतलब ओल्ड असेट खत्म होने के बाद भी वो नया असेट जिंदा रहेगा, सेपरेट आइडेंटिटी है, तो वो नए असेट को सेपरेटली आपने डिप्रिसिएट करना है, उसकी सारी ट्रीटमेंट सेपरेट रहेगी, अकाउंटिंग भी सेपरेट रहेगा, ओल्ड का सेपरेट रहेगा, सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट सेपरेट, इंटीग्रल पार्ट है एक साथ में मिक्स करके, मतलब पुरानी असेट में ऐड कर दो, फिर नई वाली असेट का सेपरेट लाइफ नहीं रहेगा, पुरानी असेट का जो बचा हुआ लाइफ है वो ही नए असेट का भी लाइफ रहेगा। उसके बाद रिटायरमेंट और डिस्पोजल, जब भी हम लोग कोई फिक्स असेट बेच देंगे तो बेटा क्या होने वाला है फटाफट से बताओ तो, फिक्स असेट बेचा तो उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर उसमें क्या करना है, देखो अच्छे से ध्यान देना, रिटायरमेंट डिस्पोजल पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लास्ट में डिस्क्लोजर बताता हूँ, बच्चों प्लीज़ ध्यान देना। मान लो कोई तो एक फिक्स असेट है, अच्छे से ध्यान देना, उसकी बुक वैल्यू है 100 और हमने उसे सेल किया है फॉर ₹90, बरोबर है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा 100, हमने उसको कितने में सेल किया 90 में, बुक वैल्यू नहीं उसकी कॉस्ट लिखो बेटा, कॉस्ट कितनी है 100, हमने कितने में सेल किया 90 में, देयर फोर डेप्रिसिएशन उसके ऊपर आज तक कितना चार्ज किया होगा 10, अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो। देखो बच्चों वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन, फिक्स असेट 100, डेप्रिसिएशन 10, बुक वैल्यू 90, सेल प्राइस 90, सिचुएशन नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करो और मुझे अकाउंटिंग एंट्री करके बता दो। बोलो बेटा प्रॉफिट और लॉस कितना है बेटा, ₹100 की असेट है, आपने उसको यूज कर करके घिस घिस के कितने का बना दिया 90 का, और 90 की चीज 90 में बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ बात समझ में आई क्या, एंट्री क्या रहेगी इसकी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 90 टू फिक्स असेट 90। सर फिक्स असेट तो 100 की है, थी आज के डेट में तो 90 है, बुक वैल्यू मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 90 दिख रही है, 90 आए 90 गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। सिचुएशन नंबर 2, एक फिक्स असेट थी बेटा 100 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10, उसकी बुक वैल्यू बची 90 और हमने सेल किया 96 में, बोलो बेटा प्रॉफिट लॉस, बोलो सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज इक्वल टू आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट, बोलो सेलिंग प्राइस कितनी बेटा 96, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू कैसे निकलते हैं बेटा, असेट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देना टिल डेट ऑफ सेल, बोलो बुक वैल्यू कितनी है 90 प्लस 6 क्या है बेटा है प्रॉफिट, कुछ बात समझ आई क्या। सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे बता दो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 96 टू फिक्स असेट 90 टू PNL अकाउंट 6, बोलो ये प्रॉफिट का नेचर रेवेन्यू प्रॉफिट है कि कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट PNL में लिखा ना, सर PNL में क्यों लिखा, अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी कुछ प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, क्योंकि भूतकाल में आपने डेप्रिसिएशन को रेवेन्यू एक्सपेंस बोल बोल के PNL के डेबिट में लिखा ना, अब वही असेट जिसका डेप्रिसिएशन के आपने पास्ट में मजे लिए, प्रॉफिट कम किया, टैक्स कम पे किया, तो वही प्रॉफिट डेप्रिसिएशन रिकवर हो रहा है। सर इसी केस में मान लो सेलिंग प्राइस यहां पे 106 होती तो लिख लो, अगर 106 होती तो प्रॉफिट कितना आता बेटा 16, और 16 में अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी 10 क्या होता रेवेन्यू प्रॉफिट, और बचा हुआ 6 क्या होता बैलेंसिंग फिगर, 6 क्या होता कैपिटल प्रॉफिट। आसान भाषा में असेट के कॉस्ट के ऊपर अगर कुछ रिकवर हुआ तो कैपिटल प्रॉफिट, बाकी बचा हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट, असेट की कॉस्ट थी 100, ऊपर कितना आया 6 कैपिटल प्रॉफिट, बचा हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट, या दूसरा तरीका अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रेवेन्यू प्रॉफिट, बचा हुआ कैपिटल प्रॉफिट, डन। कुछ धारे इसमें लास्ट में डिस्क्लोजर, कोई भी स्टैंडर्ड का अंत कब आएगा जब उसका डिस्क्लोजर रहेगा। अभी स्टैंडर्ड का कहना क्या है देखो बेटा, डिस्क्लोजर
ग्रॉस एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, मतलब ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर दिखाओ, बीच में क्या रहेगा डिप्रिसिएशन, और अगर कुछ एडिशन हुआ है तो वो भी दिखाओ, कुछ असेट सेल किया तो वो भी दिखाओ, सो एडिशन डिस्पोजल सब दिखाना है, कुछ अगर एक्सपेंडिचर इनकर किया उस फिक्स असेट पे ऑन द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ड्यूरिंग द पीरियड तो वो भी दिखाओ, रिवैल्यूड अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिक कॉस्ट, जैसे अगर हमने असेट रिवैल्यू किया तो कौन से प्राइस पे दिखाते हैं, रिवैल्यूड प्राइस पे, तो वो भी डिस्क्लोजर दो, रिवैल्यू क्यों किया, रिवैल्यूशन में क्या क्या कंसिडर किया, ये सारी चीज़ों का क्या देना है अपने डिस्क्लोजर, बरूबर है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए बेटा, स्टेट द लॉजिकली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट एज पर AS 10, प्रोडक्टिव लेबर चार्जेस अक्रूड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीनरी, बोलो बेटा प्रोडक्टिव इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या बोलेंगे हम लोग, असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे स्पेसिफिकली उस असेट के लिए इन करके तो सब ऐड कर दो, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब असेट के वैल्यू में कैपिटलाइज करना है, देखो फिर तो ये ऐड कर देंगे क्या, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मशीनरी फिक्सेशन, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी ऐड कर देंगे क्या, कौन सा बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना रे, ये स्पेशल यूज असेट के लिए चार्ज नहीं किए हमने, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, स्पेशली उस असेट के लिए अगर हमने इनकर किया होगा तो ही उस असेट के वैल्यू में ऐड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड स्पेशली असेट के लिए इनकर नहीं करते। इंटरेस्ट पेड ऑन अ बैंक लोन टेकन टू परचेज अ मशीनरी, तो इसमें मशीनरी खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक का इंटरेस्ट हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके असेट के वैल्यू में ऐड कर देंगे, लेकिन इसके बाद का इंटरेस्ट ये रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये जाएगा PNL के डेबिट में, बरोबर है। उसके बाद साइट हेल्पर सैलरी ड्यूरिंग द मशीनरी इरेक्शन पीरियड, बोलो बेटा साइट हेल्पर सैलरी, ये साइट हेल्पर है, मतलब ये क्या है बेटा हेल्पर है, डायरेक्ट इसका उसके इंस्टॉलेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, बरोबर है। हाँ अगर ऐसा बोला रहता यहाँ पे स्पेसिफिकली कि वो हेल्पर सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए आया, उसके अलावा और कोई काम नहीं था उसका, तो मैं डेफिनेटली उस हेल्पर की सैलरी इसमें ऐड कर देता था, ऐसा कुछ बोला नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे बेटा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड डिजाइन ऑफ मशीनरी, मशीन इसके बगैर तो मशीनरी बन ही नहीं सकती, तो ये तो मशीन के कॉस्ट में ऐड करना ही है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ मशीनरी, बोले डायरेक्ट कलेक्शन है इसका किसके साथ, मशीन के साथ, तो ये ऐड कर देंगे मशीन के कॉस्ट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कुछ डाउट है इसमें किसी को, सिंपल है क्वेश्चन, आसान है। सो बेसा असेट को खरीदने से, देखो या इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे असेट के वैल्यू में ऐड कर दो, दिमाग मत लगाओ वो खर्चे कौन से, ये ऐड करने की प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन, और ये असेट के वैल्यू में ऐड करना है, बरोबर है क्या, ये सारे कौन से खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, अभी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट भी हम लोग असेट के ऊपर खर्चे लगाते हैं, लेकिन ये सारे कैपिटल नहीं है, इसमें से कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैसे पहचानना, अगर असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, अगर इन चारों में से कोई एक चीज भी अगर उस खर्चे की वजह से बढ़ जाती है तो उस खर्चे को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज वो क्या रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इतने से डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सेट हो जाए, डन। उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, और कुछ अगर इसमें एक्सपेंस इसमें क्वेश्चन है तो आप देख लेना बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, नॉर्मल थेरी क्वेश्चन है, जो हमने थेरी देखा उसी से रिलेटेड है, नया तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वही पूछा है कौन सा खर्चा ऐड करेंगे, कौन सा ऐड नहीं करेंगे, कौन सा खर्चे में कितनी कॉस्ट लेंगे, सब सिंपल ही है इसमें क्वेश्चन, आप देखोगे बेटा। ओके डायरेक्टली आ जाओ AS 14 पे, AS 14 लिखो अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14
लिखो बेटा, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। चलो बेटा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। देखो अभी बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, क्या कहना है, अमलगमेशन का मतलब समझ लो पहले। अमलगमेशन लिखो रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, या मैं बोलूंगा पूरा का पूरा बिजनेस, फ्रॉम वन और मोर कंपनी टू सम अदर कंपनी। और ये ट्रांसफर करने के बाद जो कंपनी अपना धंधा ट्रांसफर कर रही है ना, वो कंपनी बंद हो जाना चाहिए, तो हम लोग इस सिनारियो को बोलेंगे एमलगमेशन। सो एमलगमेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन और मोर कंपनी टू सम अदर कंपनी। और जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है ना, उस कंपनी को बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी। मान लो एस लिमिटेड ट्रांसफरिंग इट्स बिजनेस और असेट्स एंड लाइबिलिटी टू पी कंपनी, पी लिमिटेड, तो इस केस में एस लिमिटेड को बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी, और सेलिंग कंपनी और वेंडर कंपनी, और पी कंपनी को बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी और परचेसिंग कंपनी और बाइंग कंपनी। बरोबर? डन। सर ये फोकट में देगी क्या अपना बिजनेस? नो, बदले में इस कंपनी को कुछ तो मिलेगा, जो मिलेगा उसे हम लोग प्यार से बोलते हैं परचेस कंसीडरेशन। जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? परचेस कंसीडरेशन। डन। सो इफ वन और मोर कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स बिजनेस टू सम अदर कंपनी फॉर सम कंसिडरेशन, इन दैट केस उस सिनारियो को हम लोग बोलेंगे एमलगमेशन। एंड दैट कंपनी जो बिजनेस ट्रांसफर कर रही है उस कंपनी को मैं बोलूंगा ट्रांसफरर कंपनी, और वो कंपनी जो बिजनेस परचेस कर रही है उस कंपनी को बोलूंगा मैं ट्रांसफरी कंपनी और परचेसिंग कंपनी फॉर सम कंसिडरेशन। डन। उसके बाद आगे और चलते बेटा। अब यहाँ पे ये AS 14 का क्या रोल है प्लीज ध्यान देना। AS 14 कहता है इस सिनारियो को हम लोग बोलेंगे अमलगमेशन। हाँ, अब आप लोग इसको काफी सारे नाम से जानते हो, ए कंपनी ने बी को एब्सॉर्ब कर लिया, तो आप इसको एब्सॉर्प्शंस बोल दोगे। ए और बी मिल करके नई कंपनी बन गई सी, तो आप इसको मर्जर बोल दोगे। लेकिन एब्सॉर्प्शन बोलो, मर्जर बोलो, ये सारे सिनारियो कहाँ पे कवर होते हैं? यस सर, एक थोड़ा सा टाइम सर। नहीं सर, रुको ना, जाके आ जाओ। चले, आज पर पक्का काम है, पक्का वाला, आज पक्का काम है। सही में बैठना है, अच्छा अर्जेंट है। हाँ, 8:30 तक आ जाओ, 8:45 तक, 8:30 तक आ जाओ। हाँ, सो एब्सॉर्प्शन बोलो चाहे मर्जर बोलो, दोनों भी सिनारियो कवर कहाँ होते हैं बेटा? एमलगमेशन में। ये बात समझ आई? सो अमलगमेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन और मोर कंपनी टू सम अदर कंपनी फॉर सम कंसिडरेशन। अब एक कंपनी दूसरे को एब्सॉर्ब कर रही है, तो भी यहाँ पे देखो बिजनेस ट्रांसफर हुआ, और जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है वो ट्रांसफरर यानी सेलिंग कंपनी बंद हो जाएगी। जो कंपनी खरीद रही है, एब्सॉर्ब कर रही है, एब्सॉर्बिंग कंपनी यानी वो परचेसिंग कंपनी, वो कंटिन्यू रहेगी। ये ए बी मिलकर के नई कंपनी बनी सी, ये देखो ये दो है, वन और मोर कंपनी, दोनों भी क्या है? ट्रांसफरर, रर रर, और ये कौन है? ट्रांसफरी। दोनों भी को भी, दोनों सिनारियो को बोलेंगे अमलगमेशन। अब एस 14 का जो कहना है, एस 14 इज अप्लीकेबल। देखो बेटा, एस कंपनी ट्रांसफरिंग इज बिजनेस टू पी लिमिटेड, एस ट्रांसफरर, पी ट्रांसफरी, बिजनेस ट्रांसफर कर दिया ये फॉर सम कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन। अब देखो एस 14 के हिसाब से कंसिडरेशन मतलब, कंसिडरेशन इज नथिंग बट एन अमाउंट और एन असेट पेएबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी
to the shareholders of transferor company. So consideration is nothing but bolenge ki consideration payable by the purchase consideration is the consideration payable by the purchasing transferee company. Kisko milta hai beta consideration? Kisko milta hai? Transferor ke owner ko. बरोबर है. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये चीज बेचना है तो जिसको मैं बेचूंगा वो कंसिडरेशन किसको देगा? इस चीज को देगा या मुझे देगा, जो भी इसका ओनर है उसे? तो ट्रांसफरर कंपनी का धंधा बिक रहा है तो ट्रांसफरर के ओनर को कंसिडरेशन मिलना चाहिए. और ओनर लोग कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. सर शेयर होल्डर्स मतलब कौन से? दोनों, इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स. सो पीसी इज द कंसिडरेशन पेबल बाय ट्रांसफर री टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर. बरोबर है क्या? अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने. ये अब AS 14 का कहना है, देखो ध्यान देना. AS 14 कहता है भैया मैं तो अकाउंटिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर इज रिलेटेड. मतलब AS 14 इज ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल टू द ट्रांसफरी कंपनी. ट्रांसफरर कंपनी का और AS 14 का कोई संबंधित नहीं है. सर क्यों? क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी का एक पैर कबर में, ये वैसे भी मरने वाली है. ट्रांसफरर कंपनी विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर सच अमलगमेशन प्रोसीजर. मतलब उसने अपना पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया. बोलो अब ट्रांसफरर कंपनी जिंदा रहने वाली है? नो. ट्रांसफरर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है फ्यूचर में? नो. तो यस किसके लिए अप्लीकेबल है? फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम फाइनेंशियल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना. अब ये कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही नहीं है तो इसके लिए AS 14 अप्लीकेबल ही नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, AS 14 इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर ट्रांसफरी यानी परचेसिंग कंपनी. बरोबर है? हाँ. बट अकाउंटिंग तो यहां भी होगी, अकाउंटिंग यहां भी होगी, दोनों कंपनी के बुक में अकाउंटिंग होगी. सर ये कंपनी के बुक में अकाउंटिंग क्यों? अरे बाबा अकाउंटिंग करना है इस ट्रांजेक्शन का. कौन से ट्रांजेक्शन का? ये जो धंधा बेच दिया. और अकाउंटिंग करना क्यों है? टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना कि ऐसे खुले रहने देंगे? समझ में आ रहा है क्या? सो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, धंधा बंद करना है. और धंधे का अर्थ होता है बैलेंस शीट, क्योंकि ट्रेडिंग PNL तो वैसे ही हर साल क्लोज हो जाते हैं. सो बिजनेस में अजर अमर गोइंग कंसर्न क्या है? बैलेंस शीट. सो बिजनेस बंद करना है मतलब क्या बंद करना पड़ेगा? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बंद करना है मतलब क्या बंद करना है? लाइबिलिटी और असेट. मतलब यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटी के सारे अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग. हाँ, बट वो अकाउंटिंग AS 14 के हिसाब से नहीं रहेगी क्योंकि AS 14 अप्लीकेबल ही नहीं है ट्रांसफरर के लिए. हाँ, अब सर AS 14 का क्या कहना है? अब देखो AS 14 इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. सब लोग साथ में है क्या? अब देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, ये AS 14 का कहना है ट्रांसफरी कंपनी सुन अमलगमेशन दो नेचर के हो सकते हैं. अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. बरोबर है? AS 14 का कहना है अमलगमेशन में भी दो टाइप के, दो नेचर के हो सकते, मर्जर और परचेस. अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो यहाँ पे अकाउंटिंग मेथड कौन सी रहेगी? ये सारी बातें किसके लिए चल रही है? ट्रांसफरी कंपनी के लिए. ट्रांसफरर कंपनी का कुछ हिसाब किताब नहीं है AS 14 के साथ. उसके तो क्या बैलेंस शीट क्लोज करना है, कैसे भी क्लोज करो मार ठोक के चलेगा. सो अकाउंटिंग मेथड रहेगी मर्जर के केस में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. और परचेस के केस में इत्तफाक से मेथड का भी नाम क्या है? परचेस ही है. सो अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस, मेथड का भी नाम परचेस. अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर और अकाउंटिंग मेथड का नाम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट क्यों मैं बताता हूँ? देखो ध्यान देना अच्छे से, AS 14 चल रहा है बेटा. AS 14 में कहना है कि अमलगमेशन मर्जर या परचेस किसी एक टाइप का हो सकता है. मर्जर कब रहेगा और परचेस कब रहेगा पहले बात समझ लो. अगर वो पाँच के पाँच कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो अमलगमेशन बोलेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर. बरोबर? कौन सी पांच कंडीशन? ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बिकम द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी. यानी ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए किसके पास? ट्रांसफरी के पास.
ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी, किसकी असेट लाइबिलिटी, ट्रांसफरर की, सेलिंग कंपनी की सारी असेट लाइबिलिटी परचेसिंग कंपनी के पास जाना चाहिए, बरोबर है, सारी मतलब सारी, ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी। उसके बाद दूसरा, ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटी जो ट्रांसफर हो रही है ट्रांसफरी के पास कैसे होना चाहिए, एट बुक वैल्यू, किसकी बुक वैल्यू, सेलिंग कंपनी के बुक में अमलगमेशन के वक्त जो बुक वैल्यू दिख रही थी उसी बुक वैल्यू पे परचेसिंग कंपनी असेट्स और लाइबिलिटी खरीदनी चाहिए, उसमें भाव ताव बार्गेनिंग नहीं चलेगा, तुलसी बाग वाला सिस्टम नहीं चलेगा, जो प्राइस बुक वैल्यू दिख रही है वो ही बुक वैल्यू पे असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए, कोई तोड़ मरोड़ नहीं, मोल तोल नहीं, इसे बोलते हैं मर्जर, मिलन, एज इट इज, तू जैसा है वैसा मैं तुझे एक्सेप्ट कर रहा हूं, बरोबर है, मर्जर, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, एज इट इज पुल कर रहे, बरोबर। तीसरी कंडीशन, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमलगमेशन, यानी सेलिंग कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी, यानी शेयर होल्डर ट्रांसफर हो जाना चाहिए उधर। सर 90% बचे 10% नहीं गए तो भी चलेगा, बट इसमें किस्सा एक तकलीफ हो सकती है, हो सकता है ना परचेसिंग कंपनी ऑलरेडी सेलिंग कंपनी के शेयर्स लेके बैठी होगी, यानी परचेसिंग के पास ऑलरेडी सेलिंग कंपनी के शेयर्स है, ये देखो ए कंपनी सेलिंग कंपनी है, बी कंपनी परचेसिंग कंपनी है, बी के पास ऑलरेडी ए के, मान लो आपको समझाने के लिए 20% शेयर है, परचेसिंग कंपनी के पास ऑलरेडी सेलिंग कंपनी के 20% शेयर है, 100 में से 20 शेयर ऑलरेडी इसके पास है, बरोबर है। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस 90% द एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी इज टू बी इग्नोर। ये 90% वाली कंडीशन में जो आप 90% कैलकुलेट करोगे ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इन द ट्रांसफरर कंपनी हैव टू बी इग्नोर। चलो इग्नोर करो, तो 100 नंबर ऑफ शेयर्स थे टोटल, 100 में से 20% ऑलरेडी बी के पास है, सो 100 माइनस 20% बचे कितने, 80, तो इस 80 का 90% यानी 72 शेयर्स विल बिकम द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। समझ में आए सभी को, मतलब ये 90% कैलकुलेट कर समय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इन द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी हैव टू बी इग्नोर, ये इग्नोर करना है, कर देंगे। उसके बाद चौथी कंडीशन, परचेस कंसिडरेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी, यानी परचेसिंग कंपनी जो पीसी दे रही है ना, कंपनी खरीदा तो बदले में जो पीसी देते हैं वो पीसी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होना चाहिए, नगद रोकड़ा असेट के फॉर्म में नहीं चलेगा। सेलिंग कंपनी का धंधा हमने ले लिया, हम कौन है, परचेसिंग कंपनी, ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर का बिजनेस ले लिया, बदले में हम जो पीसी दे रहे हैं कंसिडरेशन दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैश नहीं चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होना चाहिए। मतलब देखो हमने बिजनेस लिया, बदले में हमने हमारे शेयर्स दिए उनके शेयर होल्डर्स को, तभी तो उनके शेयर होल्डर हमारे शेयर बनेंगे ना, तभी तो उनके शेयर होल्डर हमारे शेयर होल्डर बनेंगे 90% आया ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने सामने वाले का बिजनेस खरीदा, उसका बिजनेस आ रहा है 150 रुपीज में, और हमारे एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज, तो बोलो 1.5 शेयर्स दे सकते हैं क्या हम, नो, सो फॉर फ्रैक्शन कैश अलाउड है, फॉर फ्रैक्शन कैश अलाउड है, हाँ या ना, बात समझ आई सभी को। लास्ट कंडीशन, ट्रांसफरी जब ट्रांसफरर का बिजनेस खरीद रही है तो ट्रांसफरी का इंटेंशन होना चाहिए कि आगे उसका बिजनेस कंटिन्यू करेगी, इंटेंशन, अब भविष्य थोड़ी ना हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में ट्रांसफरी उसका बिजनेस कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, हमें क्या पता, इंटेंशन। जैसे लड़का जब लड़की को शादी करवा के लेके जाता है तो उसका इंटेंशन, वो बोलता है ना मेरा इंटेंशन मैं आगे इसको खुश रखूंगा, आगे का आगे मालूम है लेकिन इंटेंशन उस समय का, समझ में आए, मर्जर। अगर ये पांचों के पांचों कंडीशन है तो ही हम बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इन पांचों में से
कोई एक कंडीशन भी ब्रेक हो रही है तो वो मर्जर नहीं है, वो सौदेबाजी है। समझ में आए? मर्जर मतलब दो कंपनियां हैं जिट इज मिल रही है, कोई भावताव नहीं, सेम असेट वही सेम बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं, एज इट इज पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मर्जर। समझ में आया सभी को? अदरवाइज, अदरवाइज बोलो बेटा, अदरवाइज पांच में से कोई एक कंडीशन भी ब्रेक हो गई तो क्या हो जाएगा? अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस, हमें मेथड भी क्या रहेगी? परचेस। ये बात समझ आई सभी को? पक्का कुछ दिक्कत है बेटा इसके अंदर में? सिंपल है, ये था आपका AS 14। डन। अब आ जाओ आप लोग, AS 14 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं डायरेक्टली। ये देखो, ये सारी चीजें दी है, मीनिंग दिया है, पीसी का मतलब दिया है, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, ये जो हमने जो डायग्राम बनाई, और ये परचेस। मर्जर की देखो, एक दो नौ तीन चार, पांचवी कंडीशन कहाँ रे? पांच, टुक 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 टुक, पांच कंडीशन है ये पांच। फिर अदरवाइज क्या रहेगा? परचेस। ये पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है मर्जर अगर है तो, और ये परचेस मेथड है परचेस अगर है तो। सर ये परचेस मेथड और इसमें कुछ तो अकाउंटिंग एंट्रीज दी है वो भी बता दो। बता देता हूँ। देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, सब लोग साथ में। ये देखो, अब अगर मर्जर है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या रहेगी? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। परचेस है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या रहेगी? परचेस। अब मैं पहले मर्जर के केस में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसी एंट्री होने वाली है एक बार देख लो। अब आपके बुक में भी दिया है तो फिर हम लोग देख लेते। देखो ध्यान देना बेटा, अब क्या हो रहा है, ये एस कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है पी कंपनी को, पी कंपनी बदले में इसको पीसी दे रही है, एस कंपनी से एसेट्स और लाइबिलिटी आ रही है पी कंपनी के पास, तो पी कंपनी लिखेगी ना। और मान लो ये बिजनेस है कितने में खरीद रहे? 120 रुपीज में खरीद रहे, 120 करोड़, बरोबर है? तो अब सबसे पहले अभी अकाउंटिंग AS 14 किसके लिए? पी के लिए है कि एस के लिए? AS 14 है पी के लिए, परचेसिंग कंपनी के लिए, एस के लिए नहीं है। तो अब जो भी मैं यहां से बात कर रहा हूं वो इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी है, ट्रांसफरी री। हाँ, सबसे पहला वाला एंट्री, बिजनेस परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड 120 टू द लिक्विडेटर ऑफ एस। 120 नरेशन, पीसीडीओ देना बाकी है ना। दूसरा, अब बिजनेस लेने का अर्थ होता है असेट और लाइबिलिटी ले लेना। अब मर्जर में सारी असेट्स और लाइबिलिटी लेना है। सर वो असेट में अगर कोई काल्पनिक असेट लॉस असेट है तो वो भी मर्जर में, तेरा फायदा भी मेरा, तेरा नुकसान भी मेरा, तू जैसा है वैसा मेरा, सब कुछ लेना है, लॉस असेट भी लेना है सामने वाली कंपनी की। मर्जर हो रहा है, दो कंपनी का एज इट इज मिलन हो रहा है, तो देखो मैंने असेट्स भी ले लिया। अब पी के बुक में अकाउंटिंग हो रही है, पी के पास एस की असेट भी आई, लॉस असेट भी आई है ना, और लाइबिलिटी भी आ गई, रिजर्व सरप्लस भी ले लेना है उसके, फायदा भी मेरा नुकसान भी मेरा। तो असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, फिक्टिशियस असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, एक लाइन का स्पेस दे रहा हूँ प्लीज ध्यान देना। लाइबिलिटीज भी ले लिया, सर लाइबिलिटी लिया तो क्रेडिट क्यों किया? अरे बाबा सेलिंग कंपनी की मैं लाइबिलिटी ले रहा हूँ तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो। और रिजर्व सरप्लस भी ले लेंगे, बरोबर है क्या? बिजनेस लेने का अर्थ होता है असेट्स और लाइबिलिटी लेना। देखो मैंने असेट लाइबिलिटी ले लिया, मंजे मैंने बिजनेस ले लिया, तो ऊपर का बिजनेस परचेस का एंट्री रिवर्स करो। देखो बिजनेस परचेस को ऊपर डेबिट किया तो अब क्रेडिट कर दू क्या टू बिजनेस परचेस अकाउंट? हा या ना, बरोबर? रिविजन है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, ये रेगुलर बैच रही तो एक महीना चलता। हाँ, अमलगमेशन एक महीना चलता है रेगुलर बैच में। चलो देखो बेटा, ये असेट ले लिया मैंने, लाइबिलिटीज ले लिया, रिजर्व सरप्लस ले लिया, बरोबर है? और बिजनेस परचेस मैंने रिवर्स कर दिया, बरोबर है? अब यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। सर डिफरेंस क्यों आएगा? जरूरी थोड़ी है कि जितने का सामने वाले का असेट लाइबिलिटी है उतना ही मेरा पीसी रहेगा। नहीं सर, आपने बोला था मर्जर में तो बुक वैल्यू पे लेंगे,
देखो ध्यान देना बेटा, हम लोग बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, लेकिन पीसी ज्यादा तो दे सकते हैं ना। पीसी अगर ज्यादा दिया होगा तो हमारा नुकसान, सामने वाले की असेट लाइबिलिटी कम है और हमने पीसी ज्यादा दिया तो हमारा नुकसान है। नुकसान है तो हम लोग यहां पे किसको डेबिट करेंगे, रिजर्व को डेबिट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर। और फायदा हुआ तो रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, अगर इधर आया तो इफ बैलेंसिंग फिगर। आसान भाषा में, इन द केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, सेकेंड नंबर के एंट्री में जो कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में रिजर्व में एडजस्ट करो। सर यही अगर परचेस मेथड होती तो पहला एंट्री बिल्कुल सेम होता, और दूसरे एंट्री में ये डिफरेंस जो भी है हम लोग गुडविल में डेबिट करते, अगर ये डिफरेंस आता तो, क्योंकि पीसी ज़्यादा दिया, सौदेबाजी हो रही है, परचेस मेथड है, ज़्यादा दिया है तो गुडविल के लिए दिया होगा, और कम दिया है तो कैपिटल रिजर्व हो गया, हमारा फायदा हो गया, अगर डिफरेंस इधर है। बाकी सब टुक 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 सेम, इतना ही फर्क है। इन द केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, डिफरेंस गुडविल में एडजस्ट होगा, यही वो थेरी में लिखा है जो हमने बाजू में थेरी देखी है अभी, आपकी बुक में जो थेरी है ना उस थेरी में ये लिखा है। इन द केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, डिफरेंस एडजस्ट होगा गुडविल में, और मर्जर है तो रिजर्व में। सर ये दूसरे नंबर की एंट्री किया क्यों? अरे बाबा, हम लोग सामने वाले कंपनी की असेट और लाइबिलिटी लेना है, असेट लाइबिलिटी लेना है तो एंट्री पास करेंगे ना उसकी, वो एंट्री है। पीसी ड्यू असेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन, पीसी ड्यू असेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन। तीसरा, सर अब पीसी पे करो ना, ले पीसी पेड। पहले एंट्री में देना बाकी था तो टू लिक्विडेटर लिखा, अब पीसी देंगे तो बाय लिक्विडेटर टू पीसी दिया होगा, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन कैश में तो कैश, शेयर्स के फॉर्म में दिया होगा तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में दिया होगा तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कुछ बात समझ आई आपको? बरोबर है। हो सकता है सामने वाली कंपनी जो बंद हो रही है उसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हम दे रहे, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। सेलिंग कंपनी का रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हमने दिया तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड एंड बॉर्न बाय द ट्रांसफरी यानी परचेसिंग कंपनी। बरोबर है क्या? और सर यहाँ पे तीसरा एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगा, जो भी रहेगा वही। फोर्थ एंट्री सर, यहाँ पे रिजर्व था तो परचेस के मेथड में क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेस मेथड में रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर परचेसिंग कंपनी ने दिया तो गुडविल में एडजस्ट करो। आसान भाषा में, मर्जर में सब कुछ रिजर्व में एडजस्ट होगा, परचेस मेथड में गुडविल में एडजस्ट होगा। एंट्रीज याद नहीं रही तो भी चलेगा। आपको AS-14 समझ में आया? थ्योरेटिकली थ्योरी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बरोबर है। कौन सी चार एंट्री थी बताओ रे जरा। पहली एंट्री, हाँ पहली एंट्री, पीसी ड्यू, पीसी देना बाकी है, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर। दूसरी एंट्री, असेट्स एंड लाइबिलिटी ले लिया। तीसरी एंट्री, पीसी दे दिया। फोर्थ एंट्री, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हम दे रहे हैं तो देख लेंगे एंट्री उसका। क्लियर है? ये था आपका AS-14। सर डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में क्या दिखाना है, आपकी जो भी अमल कमीशन की स्कीम थी वो डिस्क्लोज कर दो। दूसरा, आपने पीसी कैसे कैसे किस फॉर्म में किस किस को दिया वो सब डिस्क्लोज करो। पीसी कैसे कैलकुलेट किया उसकी मेथड डिस्क्लोज करो। समझ में आ रहा है क्या? कौन कौन सी असेट्स लिया वो डिस्क्लोज करो, सारी चीजें डिस्क्लोजर 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 डिस्क्लोजर। हो गया सर, दिखा दो ना एक बार, ये देख लो। परचेस मेथड सर, हाँ ये एक चीज देख लो सिर्फ, स्टैट्यूटरी रिजर्व टू अमलगमेशन एडजस्टमेंट, ये क्या चीज है देखना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 15 सेकंड ध्यान दो, है आपके नोट्स में रहेगा, प्लीज ध्यान देना। स्टैट्यूटरी रिजर्व टू अमलगमेशन एडजस्टमेंट, बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मर्जर के केस में हम लोग सामने वाले कंपनी का रिजर्व सरप्लस पूरा ले लेंगे, लेकिन परचेस की अगर केस है तो हम लोग सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटी लेते हैं। सौदेबाजी में हम लोग सामने वाले का नुकसान हम नहीं बेयर करते, मर्जर में तेरा फायदा भी मेरा तेरा नुकसान भी मेरा, प्लीज ध्यान देना बेटा। अगर मर्जर है तो सामने वाले की असेट्स भी मेरी, फायदा
फिक्टिशियस काल्पनिक लॉस असेट भी मेरी, अच्छी असेट भी मेरी, सामने वाले की लायबिलिटी भी मेरी, सामने वाले का रिजर्व सरप्लस भी मेरा, लेकिन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है तो सामने वाले की सिर्फ ये ही असेट लेंगे, असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लाइबिलिटी अकाउंट, सामने वाले की फिक्टिशियस असेट हम लोग यहाँ पे नहीं लेते और रिजर्व सरप्लस भी हम लोग यहाँ पे नहीं लेते। मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी के साथ सौदा कर रहे हो तो वहाँ पे आप कमर्शियल माइंड के हिसाब से सोचोगे, सामने वाले का लॉस आप लोगे क्या? नो। इसीलिए अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस हम लोग सामने वाले की फिक्टिशियस असेट नहीं लेते, बल्कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तेरा सब कुछ मेरा, इसीलिए तो मर्जर बोलते हैं उसको। और परचेस के केस में सामने वाले की फिक्टिशियस असेट नहीं लेंगे, लॉस असेट नहीं लेंगे, परचेस में भावताव भी होगा, मर्जर में भावताव नहीं होता है, जो तेरी बुक वैल्यू हो चल सेम बुक वैल्यू पे लेके आ जा। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए परचेस में एक्स्ट्रा दिया तो गुडविल में एडजस्ट करते हैं, कम दिया तो कैपिटल रिजर्व फायदा हो गया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना बच्चों, परचेस में सामने वाले का रिजर्व सरप्लस लेते हैं क्या हम लोग? नहीं। परचेस में फिक्टिशियस असेट लेते हैं क्या? नहीं। लेकिन मर्जर में रिजर्व फिक्टिशियस असेट सब ले लेंगे। अब प्लीज ध्यान देना, ये एस कंपनी है, अपना बिजनेस सेल कर रही है पी कंपनी को, बदले में पी कंपनी इसको पीसी दे रही है। ये एस कंपनी की बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक स्टैट्यूटरी रिजर्व था जो इस कंपनी को कंपलसरी 5 साल के लिए मेंटेन करना था। स्टैट्यूटरी रिजर्व लॉ के हिसाब से कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा, और उसका टेन्योर कितना था? 5 साल, और वो 5 साल में से 3 साल हो चुका था, 2 साल अभी भी बाकी था, बाकी था बोलो। और अब तो ये कंपनी ट्रांसफर कर रही है अपना बिजनेस किसको? पी को। और ये क्या है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है। परचेस में तो रिजर्व ट्रांसफर भी नहीं होता है। लो ना, अब लॉ बढ़ा कि तुम्हारा अमलगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 बढ़ा? लॉ बढ़ा, लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? लॉ सुप्रीम है ना इंडिया में। तो अब यहां पे एस 14, तू क्या बोल रहा था रे? परचेस के केस में रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन लॉ के हिसाब से ये रिजर्व ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है। और अब स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इधर आ जाएगा यहां पे, फिर हम लोग रिजर्व हमारे पास आ गया तो लिख देंगे टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व आ गया पी के पास तो पी का रिजर्व बढ़ा, सो टू रिजर्व, और बाय अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड जो भी अमाउंट था। आप समझा वो एंट्री क्या चीज है? सर अगर ये मर्जर होता, मर्जर होता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, क्योंकि मर्जर में तो सारे रिजर्व वैसे भी लेते हैं, स्टैट्यूटरी रहो कि नॉर्मल रिजर्व रहो, वो तो वैसे भी आना था, तकलीफ कब आती है? परचेस के केस में एस 14 बोलता है रिजर्व मत लो, और स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो लॉ बोलता है और 2 साल मेंटेन करना पड़ेगा। तो लॉ की इज्जत करने के लिए हम लोगों को परचेस होने के बावजूद भी वहां पे वो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमारे बुक में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इसलिए ये एंट्री है यहां पे स्टैट्यूटरी रिजर्व अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बराबर है? यहां पे ये एंट्री इन्होंने उल्टा दिया है, इसको रिवर्स कर देना, यहां लिखना, नहीं नहीं ये एंट्री ऊपर ऊपर कहीं तो दी होगी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और जब वो परेड पूरा हो जाएगा 2 साल का, तब ये एंट्री ऐसे रिवर्स हो जाएगी। कैसे? ऐसे। अरे कुछ समझा क्या रे? ये रिवर्सल की केस है, जब लेके जाएंगे तब ये करेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और जब 2 साल का परेड पूरा हो गया तो देखो 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 बोर्ड पे शुड बी रिवर्स्ड, तो ये रिवर्स ऐसे होगा, और लेके कैसे जाएंगे? ऐसे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्लियर है? पक्का? मर्जर होता तो ये सब अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मर्जर है तो हम लोग सामने वाले कंपनी के सारे रिजर्व वैसे भी लेके जा रहे हैं। क्लियर है? पक्का? ये था एस 14। अब उसके बाद आ जाओ एस 21 पे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखो बेटा फटाफट से। हाँ, ए लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम में आएगा बेटा पहला वाला। ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड ऑन 1st April 2012। ओके, ए कौन है? ट्रांसफरी। बी कौन है? ट्रांसफरर, है ना? ए टेक ओवर बी, आगे दिया है एंड डिस्चार्ज द कंसिडरेशन। अच्छा, पीसी का क्वेश्चन है, डिस्चार्ज द कंसिडरेशन फॉर द फॉलोइंग फॉर द बिजनेस एज फॉलोज।
कैसे कंसिडरेशन ऐसा दिया तो क्या, देखो कैसे, सॉरी कैसे नहीं, ये पूरा बिजनेस एक ही साथ डेटा दिया है पूरा शायद, देखो तो पढ़ के देखते क्या बोल रहा है। पीसी कैसे डिस्चार्ज किया, ऐसे इश्यूड 42,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी। अरे सेलिंग कंपनी कौन है, बी। कंसिडरेशन किसको मिलेगा, बी को, किससे, ए से पीसी मिल रहा है, और बी ने बदले में ए को क्या दिया, बिजनेस। अब ये पीसी निकालना है, पीसी मतलब क्या होता है, पीसी इज द कंसिडरेशन पेएबल बाय द ट्रांसफरी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर, यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है, बी, तो बी के शेयर होल्डर्स को बी के शेयर होल्डर्स को टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी, बी के शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है बेटा, 42,000 शेयर्स मिल रहे ए के एज फुल्ली पेड एट पार, तो देखो टू इक्विटी शेयर होल्डर 42 इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी सेलिंग कंपनी के 42,000 शेयर्स एट द रेट 10 म्हणजे 420,000। ये पीसी, बट ये पूरा पीसी नहीं है, ये पीसी टू द इक्विटी शेयर होल्डर है। आगे और पढ़ते हैं, आगे और क्या लिखा है, इशूड फुल्ली पेड अप 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ रुपीज 1,70,000 ऑफ बी एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओ हो, पीसी किसको मिलता है, ओनर को। ओनर कौन कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसके अलावा कोई ओनर है, तीसरा कोई है, तो पीसी में हर बार यही रहेगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे, सेलिंग के इक्विटी शेयर होल्डर्स को चुप करा दिया, लो रे 42,000 शेयर्स एट द रेट 10,420, जाओ घर जाओ। अब कौन आया लाइन में, अगला प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको क्या बोला कि आपको 10% प्रीमियम पे मिलेगा, जो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा वो मत पूछो, लेकिन 10% प्रीमियम पे मिलेगा। ये लोग खुश, ये लोग बोले रुको सर, हमारा हिसाब सेलिंग कंपनी के पास, हमारे पास 1,70,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे, आप बोल रहे 10% प्रीमियम, यानी हमें 1,87,000 मिलेगा, यस, लेकिन ये 1,87,000 तुम्हें कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें किस फॉर्म में मिल रहा है, डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ रुपीज 1,70,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, इनको क्या मिल रहा है, इशूड फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। ये 187 आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ट्रांसफरी, यानी कौन, ए। बोलो टोटल पीसी कितना हो गया, करो टोटल, कर, दैट्स इट, ये हो गया पीसी। कुछ तारे सर और भी तो लिखा है, आगे पढ़ो ना, पॉइंट सी, इट इज अग्रीड दैट डिबेंचर्स ऑफ द बी, बी कौन है, सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को भी कुछ 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 मिल रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को ताजमहल भी लाके दिया ना, तो भी पीसी में कभी लेना नहीं है, क्योंकि पीसी किसको मिलता है, ये मैं मेरी चीज है, मैं मेरी चीज बेचना चाहता हूँ, मैंने मेरी चीज इस मैडम को बेच दिया, इस मैडम ने इस चीज का पैसा मेरे पड़ोसी को दिया, बोलो पीसी में काउंट होगा क्या, पीसी सिर्फ वही होता है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब डिबेंचर होल्डर्स को इन्होंने यहाँ पे ताजमहल भी दिया होगा, तो तीसरा पॉइंट मेरे किसी काम का है क्या, अगेन पीसी का मीनिंग नहीं सुन रहे आप लोग, पीसी इज द कंसिडरेशन पेबल बाय द परचेसिंग यानी ट्रांसफररी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर, बरोबर है, और ट्रांसफरर के शेयर होल्डर म्हणजे पॉइंट ए, पॉइंट बी, नॉट पॉइंट सी, इसीलिए पीसी खत्म हो गया, समझा सर, एक बार पीसी कैलकुलेशन बता दो, इसके ऊपर ही आपको 99.9% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पीसी क्या होता है एक बार सुन लो अच्छे से, सर आप बोर कर रहे हो, नहीं, तीन मेथड है इसकी, 1, 2, 3 अच्छे से लिख लो, प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब अभी वाले क्वेश्चन में हमने कौन सी मेथड सिलेक्ट किया पीसी निकालने के लिए, ये आप पहचान के बताना अभी मुझे, डन, चल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा 4 नंबर के लिए पीसी निकालने के लिए, ध्यान देना, और एस वाई में सेकेंड टर्म और टी वाई में भी है ये फिर से अमलगमेशन शायद, तो वहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो पीसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अच्छे से ध्यान देना।
पीसी कैलकुलेट करना है तो तीन मेथड है। पहली मेथड का नाम है लमसम मेथड, दूसरी मेथड का नाम है नेट पेमेंट मेथड, तीसरी मेथड का नाम है नेट असेट मेथड। बरोबर। लमसम मेथड का अर्थ होता है लमसम अमाउंट प्रश्न में दे दिया, यानी नो नीड टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लमसम में पीसी इट सेल्फ ये लेता नहीं था मैं पीसी का, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन दिए इससे रिलेटेड इसलिए लेना पड़ रहा है अलग से। पीसी इट सेल्फ गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू कैलकुलेट इट। बरोबर। उसके बाद चलो बेटा आगे चलते। नेट पेमेंट मेथड इसमें क्या होता है, देखो इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग यानी ट्रांसफरर कंपनी गिवन इन द क्वेश्चन। नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब समझ जाओ कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा, नेट पेमेंट मेथड है। बरोबर। सर ये क्या है, पहले वाले में भी तो गिवन है, दूसरे में भी गिवन है। नो ऐसे नहीं है, मतलब क्या है बेटा, यहां पे ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को क्या मिला, किस फॉर्म में मिला, कितने का मिला, ये सारी चीजें अगर दिए वाली है तो ही नेट पेमेंट है, नहीं तो नेट पेमेंट मेथड नहीं है। ट्रांसफरर के शेयर होल्डर्स को क्या किस फॉर्म में और कितने का मिला, क्या किस फॉर्म में और कितने का मिला, ये चीजें दी है। अगर ऐसा बोल दिया परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को खुद के शेयर्स दे रही है, लेकिन खुद के शेयर्स कितने के दे रही है, कितने रुपए का एक शेयर है वो नहीं दिया है, तो बोलो नेट पेमेंट मेथड हुआ क्या, नहीं, मोगम बात नहीं चलेगी। शेयर होल्डर्स को क्या किस फॉर्म में और कितने का दिया, ये क्लियर कट दिया होना चाहिए तो ही नेट पेमेंट मेथड है। बरोबर है। बोलो अभी वाला जो आपने सॉल्व किया कौन सा मेथड है फिर, ये नेट पेमेंट मेथड है। देखो देखो देखो, ट्रांसफरर के इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया, इक्विटी शेयर खुद का, किस फॉर्म में, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, कितने रुपए का दिया, 10 रुपए का एक दिया। ट्रांसफरर के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर्स, किस फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में, कितने का दिया, देखो वो भी दिया है ना, 10% प्रीमियम पे दे दिया, टोटल 187,000 का कंसिडरेशन जा रहा है, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है दिया है ना, अब ₹100 ईच। पढ़ो क्वेश्चन, मतलब ट्रांसफरर के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या किस फॉर्म में और कितने का दिया, ये सारी चीजें दी है तो ही नेट पेमेंट। अगर यहां पे ऐसा दिया नहीं रहता, बस इतना बोला रहता कि ट्रांसफरर के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरिंग कंपनी खुद के इक्विटी शेयर दे रही है, लेकिन कितने का एक है ये दिया ही नहीं, मान लो 10 रुपए का, मोगम बात हो गई, आधी अधूरी बात हो गई। बोलो नेट पेमेंट मेथड है क्या वहां पे, नहीं, फिर वहां पे नेट पेमेंट नहीं है तो पक्के में कौन सी मेथड है फिर, ये है बैलेंसिंग फिगर। सर समझा नहीं, हर बार जब भी आप अमल गमेशन का प्रश्न पढ़ोगे तो फर्स्ट चांस आपने इसको देना है, सेकंड चांस आपने इस मेथड को देना है, और आखिरी में बैलेंसिंग फिगर, थर्ड चांस इस मेथड को देना है। अगर किसी बच्चे ने सीक्वेंस ब्रेक कर दिया ना, तो उस बच्चे को हर बार ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि यहां पे मेथड हर क्वेश्चन में नेट असेट मेथड है, जो कि गलत हो सकता है। बरोबर है। आपने सीक्वेंस फॉलो करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। सर नेट असेट मेथड में क्या होता है, नाम में मीनिंग है, देखो नेट असेट मतलब असेट, असेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द
ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू इज इक्वल टू पीसी म्हणजे नेट असेट हो गया. कुछ था इसमें, ये है आपकी बेटा पीसी की तीन मेथड. सीक्वेंस यही फॉलो करना, अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको दुनिया की हर मेथड नेट असेट मेथड लगेगी. पहले चेक करना, हे प्रश्न बता क्या लमसम मेथड है क्या, उसने बोला नहीं, ठीक है. नेट पेमेंट मेथड है क्या, उसने बोला नहीं, ठीक है, तो तू घर जा, नेट असेट मेथड है. समझ में आ बेटा बात सभी को. उसके बाद AS 21 लिखा बेटा आपने, लिखो. थर्ड मेथड कैसे निकालना है, पहचानना कैसे, जूम करो. असेट टेकन ओवर, ए देख, असेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट अग्रीड वैल्यू. सर अग्रीड वैल्यू क्यों बोल रहे, अरे बाबा जो आपस में डिसाइड होगी वो वैल्यू. और सर अग्रीड वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू इटसेल्फ अग्रीड वैल्यू. अग्रीड वैल्यू नहीं दिया है तो समझना बुक वैल्यू पे ले लिया. और नेट असेट मेथड में, नेट असेट मेथड में फिक्टिशियस असेट की वैल्यू हर बार जीरो रहेगी, हर बार. सर मतलब फिक्टिशियस असेट लेना ही नहीं है. फिर से बोलू, नेट असेट मेथड में जब भी आप पीसी निकालोगे तो आपने फिक्टिशियस असेट कंसिडर नहीं करना है, बरोबर. जीरो वैल्यू रहेगी उसकी. अग्रीड वैल्यू फिक्टिशियस असेट की कितनी होती है, जीरो. उसमें क्या अग्री करना अलग से. काल्पनिक असेट लॉस असेट की वैल्यू कितनी है, अग्रीड जीरो. सर अग्रीड वैल्यू मतलब रिवैल्यूड फिगर. सर रिवैल्यूड फिगर मतलब एडजस्टमेंट में दी रहती है. बट डोंट वरी, AS 14 में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा. हाँ मेथड के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, जैसा अभी हमने देखा पीसी का वैसा क्वेश्चन तो पक्के में आएगा, बरोबर. उसके बाद लिखो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21. लिखो AS 21 प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्यार से होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स भी बोल देता हूं, प्यार से कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकता हूं. लिखो बेटा, लिखा डन. चलो 5 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान दो, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें. अच्छे से ध्यान देना बेटा. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डन. देखो अच्छे से ध्यान देना. AS 21 इस स्टैंडर्ड का कहना है, हे कंपनी सॉरी हे होल्डिंग कंपनी सुन, जब भी तू तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी तब तूने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तेरे इंडिविजुअल स्टैंड अलोन तो प्रिपेयर करना ही करना है, साथों साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना है. अब आपका सवाल, सर कंसोलिडेटेड मतलब क्या, अच्छे से ध्यान देना. मान लो कोई तो एक कंपनी है, इस कंपनी के पास किसी दूसरे कंपनी के आधे से ज़्यादा, मोर देन, बोलो ना बेटा, मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट है, या फिर ये कंपनी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, या फिर इस कंपनी, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है. इफ अ कंपनी कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, और इफ अ कंपनी होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ सम अदर कंपनी, इन दैट केस दैट अदर कंपनी विल बी द सब्सिडायरी कंपनी ऑफ दैट फॉर्मर कंपनी, और वो लेटर कंपनी को क्या बोलेंगे, सब्सिडायरी. मंजे ये हो गई पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, और ये हो गई पिल्लू कंपनी यानी सब्सिडायरी कंपनी,
बरोबर है, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो दैट फॉर्मर कंपनी विल बी द होल्डिंग कंपनी एंड दैट लेटर कंपनी यानी एस कंपनी विल बी द सब्सिडायरी कंपनी ऑफ दैट फॉर्मर कंपनी यानी पहले वाली होल्डिंग कंपनी। तीसरी एक और कंडीशन है, सब्सिडायरी इज सब्सिडायरी, हाँ बस वही पिल्लू का पिल्लू यानी मेरा पिल्लू होल्डिंग कंपनी की। मान लो एच कंपनी की एक सब्सिडायरी कंपनी है एक्स कंपनी और एक्स की सब्सिडायरी है एस कंपनी, तो ऑटोमेटिक एस विल बी द सब्सिडायरी ऑफ एच कंपनी, माय सब्सिडायरी इज सब्सिडायरी विल बी माय सब्सिडायरी। तो कोई कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट फॉर्मर कंपनी होल्डिंग, लेटर कंपनी क्या हो जाएगी बेटा सब्सिडायरी कंपनी। अब ध्यान देना यहाँ पे AS 21 का क्या कहना है, AS 21 का कहना है हे एच कंपनी हे होल्डिंग कंपनी सुन, तूने दो सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, एक तेरे खुद के स्टैंड अलोन और दूसरे एंड कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसमें एच कंपनी का भी रहेगा और एस कंपनी का भी फिनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करके कंसोलिडेट करके मर्ज करके। सर ऐसा क्यों करना है, मर्ज क्यों करना है? सर अगर मान लो इसकी 10 सब्सिडियरी कंपनी है तो ये कंसोलिडेटेड कैसे बनाएगी, इसका खुद का फिनेंशियल स्टेटमेंट प्लस वो 10 के 10 कंपनी का मर्ज करके ऐसे 11 फिनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करके एक फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। इस मर्ज करके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को जो बनाते हैं उस हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड मर्ज्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट। सर लेकिन ये सब खुजली क्यों कर रहे हो आप? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ होल ग्रुप, एच कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी ऐसे तो एच और एस का एक ग्रुप हो गया, तो पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस हमें कैसे समझेगा इस फिनेंशियल स्टेटमेंट से, और एच का अकेले का परफॉर्मेंस कैसे समझेगा स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें से भी एच का रहेगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ होल ग्रुप, 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, फॉर होल ग्रुप हमें क्या करना है कंसोलिडेट करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है, AS 21 बोल रहा है, AS 21 बोल रहा है। अब AS 21 ने ये तो बता दिया कंसोलिडेट करना है, अच्छा सिर्फ ये होल्डिंग सब्सिडियरी का ही नहीं बोलता है, एच कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी है, एच कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी है, एच कंपनी का किसी के साथ जॉइंट वेंचर है, तो AS 21 कहता है एच कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में एच के खुद के प्लस सब्सिडायरी कंपनी के प्लस एसोसिएट कंपनी का प्लस जॉइंट वेंचर का, ये पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ अपने मर्ज करके बनाना है इन सब का, पूरे ग्रुप का, सिर्फ होल्डिंग सब्सिडायरी नहीं, सब्सिडायरी होल्डिंग रिलेशन है बना CFS, एसोसिएट कंपनी है बना CFS, जॉइंट वेंचर है बना CFS, समझ में आ रहा है? ऐसा कौन कह रहा है, AS 20। अब ये लॉ ने बोला कंपलसरी करना है लेकिन लॉ कहता है AS 21 से पूछो जाके कैसे बनाना है, तो AS 21 समझा रहा है कि कैसे बनाना है। अच्छे से ध्यान देना, ये एक एच कंपनी है प्लीज ध्यान देना, ये एक एस कंपनी है प्लीज ध्यान दो बेटा, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, कैसी कंपनी है बेटा अलग अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी है, AS 21 बता रो बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी है, ध्यान देना प्लीज, एच कंपनी और एस कंपनी। कंसोलिडेशन कैसे करना है प्रोसीजर बता रहा हूँ, वो ही प्रोसीजर पूरी इन्होंने 2 पेज में बताई है, बस वही शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। एच कंपनी की लायबिलिटी साइड असेट साइड, एच कंपनी के शेयर कैपिटल है बेटा, यहाँ पे शेयर कैपिटल है और उसके बाद एच कंपनी का यहाँ पे मैं बोलूँगा रिजर्व सरप्लस भी है, और ये यहाँ पे प्लीज ध्यान देना बेटा क्रेडिटर्स है, और यहाँ पे ये एसेट्स है, शेयर कैपिटल है 500, 300, 200, कितना बेटा 1000, ये भी कितना रहेगा 1000, लिखो ना फटाफट से, एल लिख 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 काम की चीज है लिख बेटा, शेयर कैपिटल यहाँ पे भी है एस कंपनी का, ये रिजर्व सरप्लस है, ये क्रेडिटर्स है, कितना बेटा 300, 200, 100, कितना हुआ 600, और ये असेट साइड की भी टोटल 600, छोड़ो 600। अब ध्यान देना, अब एच कंपनी के पास एस कंपनी का इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, और कितनी इन्वेस्टमेंट है एस कंपनी का, कितना ओनरशिप है इसके पास 80%,
कितना ओनरशिप है बोलो, 80%। 80% ओनरशिप हमारे पास है एस की। बोलो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, मोर देन 50% है ना। मान लो वोटिंग राइट हमारे पास कितने, 80%। 80% ऑफ द इक्विटी हमारे पास है किसका, इस कंपनी वाले, एस कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, हम लोग उसके होल्डिंग कंपनी है। तो अब एस 21 क्या बोलता है, स्टैंड अलोन तो बनाओ ही बनाओ, साथ में CFS भी बनाओ। कैसे बनाना है, थ्योरेटिकल पढ़ने से अच्छा करके देखते हैं, जैसा हम पे बोला वैसे ही कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। और वो 80% इक्विटी हमने कितने में खरीदा, 450 में। आपको समझाने के लिए, एस का 80% ओनरशिप हमने कितने में खरीदा बेटा, 450 में, बराबर है सब। 450 क्यों लिया, आपको जो लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। और बोलो बैलेंस असेट कितने की हमारी, 550 की होगी शायद, हो गया क्या, असेट सेट का टोटल 1000। फिगर आप कोई भी ले लेना मन से चलेगा, ठीक है। ये दोनों बैलेंस शीट है, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, लेकिन अब AS21 बोलता भैया होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है, चलो चुपचाप से कंसोलिडेट करो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो कैसे कंसोलिडेट करेंगे, वही तो सिखा रहा हूं कब से, देखो ध्यान देना, ये कंसोलिडेट कर रहा हूं, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडायरी एंड इट्स सब्सिडायरी एस, बरोबर है, प्लीज ध्यान देना बेटा। चलो कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं। कंसोलिडेशन का अर्थ होता है लाइन बाय लाइन मर्जिंग ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडायरी कंपनी, ऑल द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडायरी एस, लाइन बाय लाइन मर्ज करना है। बट इसमें क्या नहीं करना है, सुनना अच्छे से, अगर होल्डिंग और सब्सिडायरी कंपनी का इंटर कंपनी होइंगे, पहले तो एक चीज समझ लो, जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऐसा नहीं सोचते कि दोनों अलग अलग है, ऐसा सोचते कि दोनों एक ही कंपनी है, सोचते है सिर्फ, एक्चुअल में एक नहीं है, सिर्फ सोचते है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन की दोनों कंपनी एक ही है। लास्ट 5 मिनट है बेटा, दोनों कंपनी एक ही, ऐसा सोचते हैं हम लोग, बराबर है। अब मुझे बताओ दोनों कंपनी एक ही है, तो मान लो होल्डिंग ने सब्सिडायरी को पैसा उधार दिया है, मतलब सब्सिडायरी के लायबिलिटी में दिखेगा और होल्डिंग के डेटर्स असेट में दिखेगा, लेकिन जब कंसोलिडेशन करोगे दोनों के बैलेंस शीट को, तो ये डेटर इधर की लायबिलिटी ये कंसोलिडेट हो गए। अब बोलो कोई अपने आप से पैसा लेके अपने आप को दे सकता है क्या, तो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन यू हैव टू कैंसल सच इंटर कंपनी ओइंग्स, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन एज पर AS21 आपने ये इंटर कंपनी ओइंग को कैंसल करना है, मतलब इधर से डेटर भी कम और इधर से क्रेडिटर भी कम, इंटर कंपनी ओइंग कैंसल करना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, AS21 बोल रहे। मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडायरी कंपनी को माल बेचा है, प्लीज ध्यान देना बेटा, होल्डिंग कंपनी ने 10 रुपए का माल इसको कितने में बेचा है, 12 रुपए में, होल्डिंग ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 2 रुपीज, और अब ये दोनों का कंसोलिडेशन हो रहा है, कंपनी दोनों अलग अलग है, कंपनी का मर्जर नहीं हो रहा है, सिर्फ बैलेंस शीट मर्ज करके दिखा रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ होल ग्रुप। तो मुझे बताओ, देखो ये दोनों की बैलेंस शीट मर्ज कर रहे हैं, अब इसके बैलेंस शीट में इससे खरीदा हुआ माल है क्या, और वो माल अभी तक बिका नहीं है, इसी के गोडाउन में इसी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है बैलेंस शीट में, दिख रहा है क्या, ये देखो इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट है। अब ये मर्ज करेंगे तो ऐसा दिखेगा जैसे होल्डिंग ने अपने आप को ही 10 का माल 2 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचा। कोई अपने आप से प्रॉफिट कमा सकता है क्या, नो। तो यहाँ पे वो 2 रुपए के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सर कैसे रिवर्स करेंगे, असेट साइड से 2 रुपए का प्रॉफिट कम, यानी स्टॉक में से 2 रुपए कम, और ये होल्डिंग ने जो प्रॉफिट कमाया था वो उसके प्रॉफिट से 2 रुपए कम, होल्डिंग का भी 2 रुपए कम और इसका सब्सिडायरी का भी 2 रुपए कम, समझ में आ रहा है क्या। सो इंटर कंपनी ओइंग कैंसल, इंटर कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन हुए थे उसमें जो प्रॉफिट अर्न किया था वो स्टॉक अभी भी अगर बैलेंस शीट में पड़ा है तो वो भी रिवर्स कर दो। कुछ बात समझ आ रही क्या सभी को, देखो अभी ध्यान देना, प्लीज ध्यान दे बेटा, देखो CFS कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। हाँ ये देखो क्रेडिटर पहले मर्ज करता हूं, 200 100, ये क्रेडिटर्स में इंटर कंपनी ओइंग्स अगर होंगे तो हम लोग रिवर्स कर देंगे, अभी है नहीं कुछ, क्रेडिटर्स 200 100 300, बरोबर है। ये असेट मर्ज करता हूं, 600 और 550, प्लीज ध्यान दो। हाँ कितना बेटा, 1150। हाँ
अब ये इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर्स ऑफ एस मतलब हमारे पास एस की ओनरशिप है, ओनरशिप का अर्थ शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस दोनों भी रहेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट देखो स्क्वायर ब्रैकेट शेयर्स और रिजर्व सरप्लस दोनों के सामने बनाए, बरोबर है? इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एस यानी एस का हमारे पास इक्विटी है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एस की ओनरशिप। तो ये इन अब हम जब एक ही कंपनी है तो ये इन्वेस्टमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस के बैलेंस शीट में इक्विटी, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो वो लिख नहीं रहा हूँ, तो बचा इसका कैपिटल एज इट इज लिख देता हूँ, रिजर्व सरप्लस लिख रहा हूँ, शेयर कैपिटल एज इट इज। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा है ना सर कब छोड़ोगे, वो वाला सवाल नहीं। अब देखो बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे हमारे पास इक्विटी 80% है, लेकिन आपने तो एस लिमिटेड का पूरा इक्विटी कैंसिल कर दिया, लिखूंगा ना 20% का हिसाब। देखो अभी ध्यान देना, ये सब हो गया टिक 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 टिक, सब लिख दिया गया। अब ध्यान देना हमारे पास कितना इक्विटी है, एस का टोटल इक्विटी कितना है? 300 प्लस 200 500, 500 में से हमने कितना खरीदा? 80% यानी 400, और हमने कितने में खरीदा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 450 में, हमने कितने में खरीदा? 450 में। देखो ना हमारे बैलेंस शीट में लिखा है ना 450, अरे 400 का इक्विटी हमने कितने में खरीदा? 450 में। ज्यादा दिया नुकसान हो गया, जब भी हम लोग ज्यादा देते हैं तो किस पर्पज के लिए ज्यादा दिया होगा? गुडविल के लिए, खुद के मुंह से खुद का नुकसान हुआ ऐसा कभी नहीं बोलते। महेंद्र सिंह धोनी की 400 की टी शर्ट के लिए मैंने 500 रुपये दिए, बोलो 100 रुपये ऊपर के किस चीज के दिए होंगे? गुडविल के। जब भी मैं 400 की इक्विटी के लिए मैंने कितना दिया? 450। सर आप अभी भी वो 400 पे अटके हो, हमारा कहना है वो बचा हुआ 20%, ये 80 है और वो 20% कितना है? 100। बता तो 100 का क्या करना है, पहले ये तो समझ लो। 500 का टोटल इक्विटी है 300 200, 500 में से 80% हमारे पास है यानी 400 का, उसके लिए हमने कितना दिया? 450। तो ज्यादा के जो दिया उसके लिए क्या बोलेंगे? गुडविल। गुडविल लिख दो, गुडविल वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल 50, ये लिख दिया मैंने, कोई तकलीफ है इसमें किसी को? अब हमारे पास तो एस का 80% इक्विटी है, बचा हुआ 20% इक्विटी किसके पास है? आम जनता, आम आदमी, मैंगो पीपल, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो बताओ, सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे लोग धरने पे बैठ जाएंगे ना हमारे यहाँ आके होल्डिंग कंपनी के पास, कि साहब आपके पास हमारी कंपनी का सिर्फ 80% ओनरशिप है, लेकिन आप तो हमारी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट निगल गए, खा गए, आपने 80% असेट 80% लाइबिलिटी सब कुछ 80% लेना था, लेकिन आपने तो असेट पूरी की पूरी 600, देखो ना 600 प्लस इसकी 550, कितना पूरी की पूरी असेट ले लिया। आपके पास कितनी ओनरशिप थी? सिर्फ 80%, लेकिन आपने तो एस की 100% बैलेंस शीट अपने अंदर ले ली, आपने तो हमारा भी 20% ले लिया। हमने बोला ठीक है आपका 20% हमारे पास है ना, हम आपके कर्जदार है यानी हमारी लाइबिलिटी है। मेरा सिर्फ 80% ही था, मैंने कितना परसेंट ले लिया? 100, मतलब मैंने दूसरे लोगों का 20% भी ले लिया क्या? ठीक है आप मेरे क्रेडिटर हो, और आप कौन हो? आप तुच्छ माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, क्योंकि 80% शेयर होल्डर कौन है? मैं, और बचे हुए 20% कौन है? आप लोग। तो आप हो माइनॉरिटी शेयर होल्डर और आप मेरे क्रेडिटर हो, बोलो कितना है आपका माइनॉरिटी शेयर होल्डर? कितना है आपका? 20। टोटल इक्विटी कितना था? 500, 500 का 20% 100। चेक कर लो बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए, हो रही क्या बैलेंस शीट टैली? ये था AS-21 का प्रोसीजर, हाउ टू कंसोलिडेट द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग एंड इट सब्सिडायरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, बरोबर है? कुछ था। सो कंसोलिडेट कैसे करना है? लाइन बाय लाइन मर्जिंग ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग एंड ऑल इट सब्सिडायरी कंपनी, बट इंटर कंपनी ओइंग्स कुछ होगा तो कैंसिल कर दो। सर इंटर कंपनी ओइंग रहा तो कैसे कैंसिल करेंगे? देखो बताता हूँ, ये लिखा आपने, ये देख लो, ये लिख लो सिर्फ एक बार, फिर उसके बाद बताता हूँ इंटर कंपनी ओइंग कैसे कैंसिल करना। ये लिखा, डन। 2 मिनट ध्यान देना, मान लो ये एच कंपनी है, ये एस कंपनी है, ये शेयर कैपिटल, ये रिजर्व सरप्लस, ये क्रेडिटर्स, ये असेट, ये इन्वेस्टमेंट इन एस, ये शेयर कैपिटल, ये रिजर्व सरप्लस, ये क्रेडिटर, ये असेट,
ये 300, ये 200, ये 100 और ये कितना है 600, 600, 600, हाँ ये हो गया, ये 500, 300, 200, 1000, 1000, ये कितना है बेटा यहाँ पे, चलो 600 ले लो और ये हो गया 1000, बराबर है। अब ध्यान देना, एस लिमिटेड ने होल्डिंग को पैसा उधार दिया, यानी एस के असेट में डेटर बोल के कौन दिख रहा है, एच कंपनी, कितना उधार दिया था 100, मतलब ये 600 में 100 रुपीस हमने किसको दिए थे, एच को। सर अलग अलग दिखा दो ना, ठीक है ये देख लो ऐसा, ये ऐसा, ये 500 और ये डेटर कौन है, एच लिमिटेड 100, और एच के क्रेडिटर में बाहर वाले क्रेडिटर है 100 और एक और क्रेडिटर है जिसका नाम है एस लिमिटेड, वो है 100, बराबर। अब जब कॉन्सोलिडेट करेंगे ना तो ये भी कैंसल और ये भी कैंसल हो गया, इसे कहते हैं कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी होइंग। सर ऐसे नहीं, करके बताओ, करके बताता हूँ, देखो लिखो कॉन्सोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये शेयर कैपिटल 500, रिजर्व्स एंड सरप्लस 300, क्रेडिटर्स कितने थे 200 थे ना, ये क्रेडिटर से कम 100, तो कितने लिखूंगा 100, इसके क्रेडिटर कितने थे 100, 100 और 100, 100 प्लस 100 200, ये लिख दिए 200। ये देखो ये क्रेडिटर कम किए, सर ये क्रेडिटर 200 क्यों लिखे, ये क्रेडिटर 100 प्लस ये क्रेडिटर 100, 100 प्लस 100 200, टों टों। अब देखो जब हम लोग असेट लिखेंगे तो ये 600 और ये असेट 500, ये असेट मैंने कितनी लिख दिया 1100 और ये डेटर कैंसल। देखो डेटर कितने लिखे 0 और वो क्रेडिटर भी ये वाले कितने लिखे 0, यानी डेटर भी कम क्रेडिटर भी कम, इंटर कंपनी ओइंग मैंने कैंसिल किया, बाकी एज इट इज। इन्वेस्टमेंट कितनी हमारे पास 80%, कितने की बेटा 80%, 500 का 80% 400, 400 का 400 में लिया, गुडविल कितना 0 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना रहेगा बेटा 100। क्रॉस चेक करो, हो गया क्या टैली, कैसा भी करो दूध पीता बच्चा भी करेगा, सिंपल है पक्का। ये था बेटा आपका AS 21। तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर बीकॉम के आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म। कुछ था इसमें, कौन कौन से स्टैंडर्ड देखे हमने, AS 5 प्रॉफिट और लॉस फॉर द ब्रेड प्राइवेट आइटम चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बरोबर है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था उसमें। उसके बाद AS 6 डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ब्रेड में दो एक्टिविटी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी एंड इंसिडेंटल टू द बिजनेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी यानी जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है जो रिकर नहीं हो रही है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्या कहना है AS 5 का, आप भैया एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी को सेपरेटली डिस्क्लोज करो, ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर में अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, प्राइवेट आइटम्स आर द इनकम एंड एक्सपेंसेस अराइजेस इन द करंट पीरियड एज अ पार्ट ऑफ एरर ओमिशन इन एनी प्रायर पीरियड, बरोबर है क्या, तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, रेट चेंज किया, मेथड चेंज किया, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या करना है इसका, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। कब चेंज कर सकते पॉलिसी, लॉ ने बोला है तो, स्टैंडर्ड ने बोला है तो, या फिर फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने क्या करना है पॉलिसी चेंज करना है, इन दोनों में से कोई एक रीजन भी अगर है तो क्या करना है सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और उसके पीछे का रीजन भी डिस्क्लोज करना है, और पॉलिसी चेंज करने की वजह से जो मनी और मनी वर्थ में जो इंपैक्ट हो रहा है वो भी डिस्क्लोज करना है। ये था AS 5। AS 6 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग देखा था, रिडक्शन इन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या तो चार्ज टू असेट, मेक अ प्रोविजन, उसके मेथड्स दो SLM WDV मोस्ट कॉमनली यूज, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देख लिया था, उसके अंदर में जो भी डिफरेंस रहेगा पीएनएल एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर लो। उसके बाद क्या देखा हमने, AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट, फिक्स असेट में फिक्स असेट का मीनिंग देखा, कौन से कॉस्ट पे अकाउंटिंग करते, असेट खरीदने से लेकर तो रेडी फॉर यूज करने तक के जो भी कॉस्ट आ रही वो सारी कॉस्ट पे हम लोग उस असेट का अकाउंटिंग करेंगे। अगर मैं असेट को रिवैल्यू करता हूं तो रिवैल्यूड प्राइस पे अपने बैलेंस शीट में दिखाना है, लेकिन रिवैल्यू करता हूं तो रिवैल्यूएशन की एंट्री रहेगी, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे सब्सिक्वेंट टाइम, फर्स्ट टाइम कर रहे तो टॉ 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 टॉ, सर वैसे नहीं, कॉस्ट के ऊपर सब कुछ है तो असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, बाद में यहाँ पे रिवॉल्यूशन रिजर्व टू असेट, रिवॉल्यूशन रिजर्व टू असेट, रिवॉल्यूशन रिजर्व टू असेट, कॉस्ट के नीचे गया, बुक वैल्यू के नीचे गया, तो PNL टू असेट, PNL टू असेट, PNL टू असेट, असेट टू PNL, असेट टू PNL, असेट टू PNL, ये इतने से इसमें पूरा चार्ट कवर हो गया, बरोबर है क्या।
उसके बाद कौन सा देगा? AS-14 अमलगमेशन. अमलगमेशन AS-14 अप्लीकेबल टू द ट्रांसफरी कंपनी ओनली. ट्रांसफरी कंपनी का क्या कहना है बेटा यहाँ पे? AS-14 का कहना है ट्रांसफरी कंपनी सुन, या तो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर रहेगा तो परचेस रहेगा. मर्जर तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड रहेगी. अकाउंटिंग की परचेस रहा तो अकाउंटिंग मेथड कौन सा रहेगा? परचेस रहेगा. पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सामने वाली कंपनी का एज इट इज असेट्स और लायबिलिटी उसको अक्वायर कर लेते. उसमें फिक्टिशियस असेट भी आ गई, उसका रिजर्व सरप्लस भी आ गया, सारी चीजें आ गई है. और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो भी डिफरेंस रहेगा कहाँ एडजस्ट करेंगे बेटा? रिजर्व में. परचेस में इंटरेस्ट कहाँ डिफरेंस एडजस्ट करेंगे? गुडविल में. क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व. कौन सी पांच कंडीशन है बोल बेटा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट की? बोल फटाफट से. पहली कंडीशन कौन सी है? ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी विल बी द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमलगमेशन. ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर एट बुक वैल्यू. दो कंडीशन असेट्स लायबिलिटी की है. असेट लायबिलिटी की कितनी कंडीशन है? दो. दो कंडीशन शेयर होल्डर्स की है. एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ अमलगमेशन. एंड इन द कैलकुलेशन ऑफ सच 90% यू हैव टू इग्नोर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी इन द ट्रांसफरर कंपनी. और दूसरी शेयर होल्डर की एक और कंसिडरेशन है. पीसी मस्ट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी. सो दो शेयर होल्डर्स की कंडीशन 90% और पीसी. दो असेट लाइबिलिटी की, सारी असेट लाइबिलिटी लेना है और बुक वैल्यू पे लेना है. और एक कंडीशन इंटेंशन ऑफ द बिजनेस. हो गई पांच कंडीशन है. करो ऐसे करके बताओ, ऐसे करो. पांच कंडीशन है, दो असेट लायबिलिटी की, दो शेयर होल्डर्स की, एक बिजनेस की. बरोबर है? इसमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो बोला अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस. ये बात समझ आई बेटा सभी को? और उसके बाद लास्ट में हमने देखा AS-21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और होल्डिंग कंपनी को CFS प्रिपेयर करना है. कैसे प्रिपेयर करना है? AS-21 बनाएगा. क्यों प्रिपेयर करना है? कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 129 है ना. 129 का कहना है कि अगर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है तो होल्डिंग कंपनी ने स्टैंड अलोन के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है. ये था बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1. नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. थैंक यू वेरी मच बच्चों. Thank you.